top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your dream deserves this. Fuel your inner fire for the ultimate gate challenge. Unacademy Combat. Register now. It's time to experience something glorious. Unacademy Combat. Compete, crack, conquer. A challenging gate contest engineered to give you an experience like none other. Where you put your knowledge to test. And battle it out with the best. To bring out the best in you. Unacademy Combat is the most competitive, gamified contest for gate till date. With the best of the questions by best educators. With detailed video solutions from top educators right after each contest. Combat live with peers to get real-time rankings and win big. Participate in every contest to improve your ratings. Challenging contests every fortnight or alternate Sunday. Live ranking after every question. Big rewards for top rankers. Your passion to crack gate deserves this. Your hard work towards your... Hello. Good evening, everyone. Welcome to the Unacademy, best platform for the learners. और आज हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अपने फोर्थ लेक्चर में केमिकल टेक्नोलॉजी में अपना आगे बढ़ रहे हैं आज. और पेट्रोलियम रिफाइनिंग का कल जो पार्ट हम लोगों ने डिस्कशन किया था उसी में आज हम लोग आगे मूव कर रहे हैं. तो अभी तक कितने लोग जुड़ चुके हैं, जरा वॉइस वगैरह कैसी है बेटा, एक बार मेरे को ये कन्फर्म कर दो. वॉइस वगैरह प्रॉपर आ रही है कि नहीं आ रही है. अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन. क्लियर है? बस एक बार जल्दी से जरा शेयर मार दो. आज मैं शेयर मारना भूल गया अपने एंड से इस लिंक को, तो जरा इस लिंक को सभी जगह शेयर मार दो फटाफट, सभी लोग ज्वाइन कर लें. गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन. तो एक बार जरा शेयर कर दो इसको, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं फिर हम लोग अपना आज का सेशन बेहतरीन फॉर्म में. अभी कुछ लोग ज्वाइन कर रहे हैं, थोड़ा सा डिले हो रहा है मुझे लग रहा है. और वॉइस प्रॉपर आ रही ना सबको? वॉइस आ रही है आई थिंक, सभी को प्रॉपर आ रही होगी. गुड इवनिंग बेटा वैष्णवी, गुड इवनिंग. चलो तो अभी तक ये बताओ मेरे को सबसे पहले चीज कि जितना भी सीटी रिवाइज करते जा रहे हो उसका स्टेटस क्या है, कुछ दिमाग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, प्रैक्टिस का क्या स्टेटस है, कितना प्रैक्टिस आप कर रहे हो, कुछ क्वेश्चंस गेट के अलावा कहीं से भी क्वेश्चंस अगर मिल रहे हैं तो उनको रिकॉल कर रहे हो, टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस आपसे हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं. मनीष सर भी अपने साथ हैं, ठीक है? मनीष सर का भी सेशन आने वाला है आपका 7 बजे से. आईपीसी बेहतरीन फॉर्म में चल रहा है, एंजॉय कर रहे हो सबके सब, ठीक है ना? मजा खूब आ रहा है, बस कवर अप करो बेहतरीन फॉर्म में. चलो जयप्रकाश, राजीव, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा एवरीवन. तो स्टार्ट करते हैं भाई. तो आज है केमिकल टेक्नोलॉजी के रिविजन सेशन का फोर्थ लेक्चर और हम लोग अभी तक कवर अप कर चुके हैं पॉलीमर वाला और पेट्रोलियम का कुछ पार्ट जो हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं वो कवर अप हो चुका है. उसके आगे आज मैं बात करने वाला हूं. अच्छा पॉलीमर एक क्वेश्चन मेरे रिवीजन से ही लग गए, चलो अच्छी बात है यार. आपका कितना मैक्सिमम फायदा हो रहा है मेरे रिवीजन सेशन से, बस मैं ये चाहता हूं, ठीक है ना? आपको बुक ना खोलनी पड़े, आपको अपने नोट्स ना खोलने पड़े, केवल जितना आप लेक्चर देख रहे हो इसके बाद जा करके अगर आप रिवीजन सेशन को कर रहे हो ना और उससे आपके क्वेश्चन अगर लग जा रहे हैं तो सो फॉर गुड है, ठीक है? चलो तो अभी स्टार्ट करते हैं सेशन को, स्टार्ट करते हैं भाई. कितने लोग आ चुके हैं अभी तक? 10 लोग आ चुके हैं, बाकी भी आ रहे होंगे बेचारे, ठीक है ना? क्योंकि समय लोड बहुत है आप लोग के पास, काफी बिजी शेड्यूल है, पूरा सुबह शाम तक क्लासेस हो रही हैं, ठीक है? आज सुबह मनीष सर का सेशन सब एंजॉय करके बैठे, डिफ्यूजन का बेहतरीन फॉर्म में कवर किया सर ने यार, मजा आ गया, ठीक है? उसके बाद फिर अभी शैलेंद्र सर का सेशन करके आ रहे हो, अब मेरे में आए हो, फिर मनीष सर का है, फिर शैलेंद्र सर का है,
लेकिन आज सेशन सर का नाइट में है, कल का सेशन कैंसिल हुआ था, आज है फिर से। चलो तो कोई नहीं, कंटिन्यू करते हैं भाई। तो सबसे पहली बात जो इंपॉर्टेंट है इस समय वो है 12 जनवरी को अपना कॉम्बैट जो स्टार्ट हो रहा है, कॉम्बैट के जो ब्रांचेस हैं वो है मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और सीएसआईटी। ये ब्रांचेस आपका क्या है, पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है ना। इन ब्रांचेस के स्टूडेंट्स के लिए है स्पेशल, और यहाँ पर कॉम्बैट में आपको मिलने वाले हैं बेहतरीन प्राइजेस। अगर आप इन ब्रांचेस से रिलेट करते हैं तो मिलने वाले आपको बेहतरीन प्राइजेस। उसके लिए कुछ नहीं, आपको सिंपल सा जो आपका एक पर्टिकुलर टाइम आउट में आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको आपको सॉल्व आउट करना है, और सॉल्व आउट करने के बाद आपको क्विक रिप्लाई करना है। वहां पर आपका एक लीडर बोर्ड तैयार होता रहेगा कि आप कहां पर किस रैंक पे आप लाई करते हैं। अगर आप फर्स्ट रैंक में आते हैं तो आपको मिलने वाला है 3 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट प्लस का। अगर आप सेकंड एंड थर्ड में आते हैं तो आपको मिलने वाला है 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन पैकेज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है ना। हाँ बेटा, आज पेट्रोलियम फिनिश कर दूंगा। और अगर आप रैंक 4 से 100 के बीच में आते हैं तो आपको मिलने वाला है क्या, 500 रुपीज का अमेजॉन गिफ्ट वाउचर। तो ध्यान रखो, अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है, अगर आप इन ब्रांच से रिलेट करते हो कोई भी स्टूडेंट, तो आप रजिस्टर कर सकते हो क्विक, क्योंकि 12 जनवरी से आपका जो कॉम्बैट है वो स्टार्ट हो रहा है। सेकंड थिंग इज कि मेरे बारे में इंट्रोडक्शन। भाई अगर कोई भी आज फर्स्ट टाइम मुझे देख रहा है तो मैं फिर से इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने आपको। आई एम सुमित प्रजापति, लगातार 5 साल से गेट के फील्ड में टीच कर रहा हूँ। ये कुछ मेरे बेसिक सब्जेक्ट्स हैं जो कि मैं कवर अप करता हूँ, केमिकल, मैकेनिकल ऑपरेशन, केमिकल टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल ऑपरेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, आईपीसी, ठीक है ना। अभी आप सीटी मेरे से पढ़ रहे हो, सीटी के बाद में मैं बोल रहा हूँ ना एमओ का एक रिवीजन सीरीज वो लेकर के आने वाला हूँ। उसके बाद पर्टिकुलर प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एमएसक्यू, एमसीक्यूज, एनएटी, सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना खुद के डिजाइन किए हुए वो लेकर के आऊंगा। उसके बाद आईपीसी का आपका स्पेशल जो आपका इस साल का नया टॉपिक ऐड हुआ है उसको भी मैं फिनिश कराऊंगा, ठीक है। और इसके बाद हमारे अनअकैडमी के कुछ बेसिक प्लस और आइकॉनिक प्लान्स जो कि आप प्रेफर कर सकते हो अपने जूनियर्स को। अगर आप फाइनल ईयर में हो तो आप शायद आप परचेज नहीं करोगे, लेकिन अगर आप सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में हो, अगर आप जूनियर्स को आप प्रेफर कर सकते हो, तो प्लस एंड आइकॉनिक दो तरह कैटेगरी के अपने पास प्लान्स अवेलेबल हैं। प्लस में आपको लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, और दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, ठीक है ना। अभी तक केमिकल इंजीनियरिंग में कोई भी कोर्स जो है ना वो इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, तो होप सो बहुत जल्द आपको कोर्स जो केमिकल इंजीनियरिंग का गेट का कोर्स है वो आपको इंग्लिश में भी अवेलेबल हो जाएगा। अगर आइकॉनिक की बात करते हैं तो आइकॉनिक में जो बेस्ट आपके लिए बेनिफिशियल पार्ट है वो है आपका एक पर्सनल कोच, वो आपको पर्सनल गाइड करेगा, ठीक है ना। हम में से कोई भी फैकल्टी आपको पर्सनली गाइड करेगी कि आप किस तरह से अपनी अप्रोच करो, किस तरह से आप अपना क्वेश्चन सॉल्विंग का अप्रोच करो, किस तरह से आपके डाउट जो है ना उसको आप क्लियर अप कर सकते हो। आपका टेस्ट जो है ना वो टेस्ट का आपका पर्सनल, आपका बूस्टर टेस्ट की आपके एनालिसिस सारा आपका जो पर्सनल कोच होगा वो आपका हैंडल करेगा, ठीक है। चलो इसके बाद हमारी सिविल की टीम जो है ना, तो पूरी सिविल की टीम एक बेहतरीन फॉर्म में, बेहतरीन प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड कर रही है सिविल के बच्चों के लिए। इसके बाद बात करते हैं भाई प्लस और आइकॉनिक सेशन की। तो प्लस का जो सेशन है ना, प्लस का जो प्लान है वो आपका 3 टेन्योर में अवेलेबल है, मतलब कि 1 ईयर एंड 1.5 ईयर एंड 2 ईयर्स के प्लान के अकॉर्डिंगली। तो जो 1 ईयर का प्लान है वो आप मंथली और ईयरली दोनों बेसिस पे हम लोग चूज कर सकते हो। अगर कोई भी चूज करना चाहता है तो मंथली भी है और आपका क्या है ईयरली भी है, आप दोनों कॉस्ट में चूज कर सकते हो मंथली एंड ईयरली, ठीक है ना। तो मेरा सजेशन अगर ये रहेगा कि अगर आप चूज करते हो तो आप ईयरली पैकेज तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि डे बाय डे अगर आप मंथली चूज करते हो, मंथली के बाद नेक्स्ट मंथ अगर आप स्किप कर जाते हो, आपसे लैप्स हो जाता है सब्सक्रिप्शन रिन्यू करने के लिए, तो आपका कुछ ना कुछ लॉस हो सकता है, ठीक है ना। तो आप प्रेफर करते हो तो प्रेफर आपको ये करना पड़ेगा, कम से कम अगर आप 2 ईयर का प्लान लेते हो तो आपके लिए क्या है ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि आप सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फाइनल ईयर आराम से 2 साल तक प्रिपरेशन कर सकते हो। ये आइकॉनिक प्लान्स हमारे 1 एंड 2 ईयर्स के टेन्योर में है। तो आइकॉनिक प्लान्स का कॉस्ट जो है 1 ईयर का वो है 45,225 एंड 2 ईयर का जो प्लान है उसका कॉस्ट है 66,600, ठीक है। चलो तो अभी बात करते हैं भाई आगे, हमारा अनअकैडमी का जो मेरा प्रोफाइल है, जो मेरा प्रोफाइल है। अच्छा कितने लोग जुड़ चुके हैं, अनाउंसमेंट करना था, एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करना था कि पर्टिकुलरली मेरी प्रोफाइल जो है उस प्रोफाइल का नेम थोड़ा सा आज चेंज हो चुका है। आप अगर सर्च करोगे मेरे को तो मेरा जो नेम आएगा वो सुमित प्रजापति नाम से आएगा, अगर आप प्रोफाइल मेरी सर्च करोगे तो उसको आप लोग प्रोफाइल को फॉलोअप कर सकते हो। और कल मॉर्निंग में मैं सेशन लेकर के आ रहा हूँ आपका लाइव ऐप पे, पर्टिकुलर केमिकल टेक्नोलॉजी की श्योर शॉर्ट सीरीज, मतलब कि वो टॉपिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखो थ्योरी बहुत पढ़ ली यार,
ठीक है ना, गेट क्वेश्चन बहुत लगा लिए। अब नीड है अपने को क्या, अब नीड है अपने को एक ऐसा रिवीजन का, एक ऐसा प्रैक्टिस का जो बिल्कुल कि आपके प्रिपरेशन को बूस्ट कर दे, ठीक है ना। दिमाग के सारे आपके तार जो है ना वो खुल जाने चाहिए, बस उसी टाइप का कुछ लेकर के आ रहा हूं। तो शॉर्ट शॉर्ट सीरीज सिंपल सा उसका मतलब ये है कि आप अगर उस सीरीज में जो क्वेश्चंस में सॉल्व कराऊंगा, जो क्वेश्चंस में प्रोवाइड करूंगा, उसको आप सॉल्व करोगे और उससे कुछ जो कॉन्सेप्ट्स आपके मिसिंग है, कुछ अगर क्लास में मिसिंग है तो वहां से जो कॉन्सेप्ट या थ्योरी निकल करके आएगी, अगर वो आप रिकॉल करोगे तो वहां से आपका अगर सीटी में उस पर्टिकुलर टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो श्योर शॉट का मतलब ये है कि आप 100% उस क्वेश्चन को करके आओगे, ठीक है ना। तो सेशन का नाम रखा गया है केमिकल टेक्नोलॉजी श्योर शॉट सीरीज, कल 9:30 AM पे सुबह सुबह 9:30 बजे वो मैं लेकर के आ रहा हूं। उसका लिंक हर चीज जो है वो आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी बहुत जल्द, ठीक है ना। तो मेरा यूजर नेम जो है ना वो सुमित प्रजापति नेम से है, ये है हमारा टेलीग्राम का चैनल जो कि गेट अनअकैडमी गेट सिविल नाम से है, और अपने जो बेस्ट प्लेटफॉर्म है अनअकैडमी के फॉर द पर्पज ऑफ गेट डिफरेंट ब्रांचेस के लिए, मैकेनिकल और केमिकल और सिविल के लिए, जो केमिकल और सिविल का प्लेटफॉर्म है वहाँ पर आप देख रहे हो, बाकी के जो है ना आपके जैसे मैकेनिकल और साइंसेस ब्रांचेस के लिए वो आपका अलग प्लेटफॉर्म है, ECEE और IN के लिए वो आपका अलग प्लेटफॉर्म है, इसके अलावा कंप्यूटर साइंस का अलग है, इसके बाद इलेक्ट्रिकल जंक्शन वो आपका एक अलग प्लेटफॉर्म है, तेलुगु लैंग्वेज के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। चलो भाई तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो स्टार्ट अगर करते हैं तो जब स्टार्टिंग आती है सबसे पहले यही स्लाइड डेली दिख रही है आपको, ठीक है ना। तो एक अनाउंसमेंट तो पता चल गया, ये बिल्कुल सर्कुलेट कर दो अपने जितने भी बैचमेट्स हैं, जितने भी कलीग्स हैं, जितने भी जूनियर्स हैं, सीनियर्स हैं, जितना सर्कुलेट कर सकते हो कि कल मॉर्निंग से एक ऐसा सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, जो CRE में मजे लूट रहे हो अभी आप लोग, जो न्यूमेरिकल कॉन्सेप्शंस वाला सीरीज लेकर के आए थे, बस अब न्यूमेरिकल सीटी में तो नहीं है ना, तो न्यूमेरिकल नहीं है लेकिन कुछ ऐसा आपको मिलना चाहिए। अभी ये सीटी का जो सीरीज चल रही है इसको स्टार्ट करता हूं, बहुत जल्द जैसे ये फिनिश हो जाएगी इसके बाद आपका मैकेनिकल ऑपरेशन का वहां पर आपके न्यूमेरिकल कॉन्सेप्शन सीरीज आने वाली है, ठीक है ना। तो पर्टिकुलरली मैकेनिकल ऑपरेशन से कितने मॉडिफिकेशन से MSQ वहां पर किस तरह से जनरेट होंगे, CT में MSQ कैसे जनरेट होंगे, किस तरह से क्वेश्चन पुट अप होगा, बस ये सब प्रैक्टिस अपने को करनी है क्योंकि MSQ का बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है। बहुत से बच्चे ये बोल रहे हैं सर कि पुराना IIT बॉम्बे के जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर के उनको सॉल्व करा दीजिए, ठीक है ना। तो अब उनको सॉल्व कराने का एक पैरामीटर जो है वो सेट करेंगे हम लोग, उसको भी करा देंगे, ऐसी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ना वो प्रीवियस ईयर गेट के क्वेश्चन सॉल्व करके बैठे हुए हो, लेकिन पर्टिकुलर IIT बॉम्बे क्या पैटर्न फॉलो अप करता है, उसके पर्टिकुलर क्वेश्चन का क्या लेवल रहता है, किस तरह से क्वेश्चन उसका फ्रेम होता है, कितना डेप्थ पर जाते हैं, किस पर्टिकुलर टॉपिक पे वो ज्यादा एम्फेसाइज करते हैं, तो ये सारी चीजें जो है ना वो एक सेशन हम लोग इसका रखेंगे, गेट के IIT बॉम्बे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है ना वो किस तरह से आपके आ सकते हैं, IIT बॉम्बे का मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज या फिर आपका पर्टिकुलरली मोस्ट हेल्पिंग सीरीज। बेटा कल का सेशन जो है ना कल मॉर्निंग का सेशन है, कल मॉर्निंग का लाइव ऐप में सेशन होने वाला है, ठीक है ना, लाइव ऐप में सेशन होगा, वो स्पेशल क्लास है, और वो आपका कल है मॉर्निंग में, उसका अभी जो पोस्टर या फिर आपका जो लिंक है ना वो आपको बहुत जल्द मिल जाएगा, ठीक है ना। वो आपका कल मॉर्निंग में है 9:30 से है कल वो मॉर्निंग में, ठीक है ना। इसके पहले कल 9 बजे, कल मैं आपके साथ लगभग 1.5 घंटे रहने वाला हूँ मॉर्निंग में ही, इसके पहले कल 9 बजे आपको मिलेगा मेरे साथ में, बस वही मॉर्निंग मंत्रा जो हम लोग लेकर के आते हैं डेली, आज मनीष सर के साथ थे आप, ठीक है ना, कल मेरे साथ फिर से आप रहेंगे, लेकिन कल केवल हम लोग आधे घंटे का टाइम यूटिलाइज करेंगे वहां पर, आधे घंटे कुछ मोटिवेशनल, इसके बाद कुछ आपके लिए फॉर्मुलेशन, वो फॉर्मुलेशन क्या होगा वो तो सस्पेंस रहता है डेली का डेली, वो कल मॉर्निंग सेशन अटेंड करोगे तब पता चलेगा कि वहां पर क्या होने वाला है, ठीक है। तो बेहतरीन फॉर्म में कल एंजॉय करो जरा। इसके बाद कल है प्लांट डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स का मैराथन, बूस्ट करने के लिए आपकी प्रिपरेशन को, एनर्जी के साथ में बिल्कुल रेडी रहना, ठीक है ना, बिल्कुल खाना वाना खा करके नाश्ता करके कल दोपहर से आई थिंक नून से सेशन का टाइमिंग कुछ डिसाइड हो गया है, कुछ अगर प्रॉब्लम अगर आती है उसका श्योर जो आपका टाइमिंग है जो फिक्स टाइमिंग क्या है वो अभी मनीष सर के सेशन में या फिर नाइट वाले सैलन सर के सेशन में वो आपको बिल्कुल कन्फर्म हो जाएगी, ठीक है ना, कि टाइमिंग क्या रहेगी, ठीक है। तो बस बेहतरीन फॉर्म में स्ट्रेटजी जो है ना वो आपकी फॉलो अप हो रही है, हम लोग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, बस आप केवल उसको फॉलो अप करते जाओ,
कल मैराथन अटेंड करो, इसके बाद परसों भी कोई मैराथन आने वाला है, सबका सब सस्पेंस है, सब नहीं बताऊंगा, बस अभी एक बता दिया कि कल है प्लान डिजाइन एंड इकोनॉमिक्स का मैराथन, 5 घंटे या 6 घंटे का आपका मैराथन होगा, बेहतरीन फॉर्म में उसको अटेंड करना। सैलेंसर लेकर के आ रहे हैं, मॉर्निंग में मैं लेकर के आऊंगा, कल मेरी सीटी की क्लास नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि कल है मैराथन, ठीक है। बेटा सोनी क्या पूछ रहे हो, सोनी स्टोरीज, सर टेस्ला का कार डिप्रिशिएट नहीं करता टाइम के साथ? हाँ कोशिश बेटा, देखो मॉर्निंग से ये है ना कि मॉर्निंग में कुछ जो मॉर्निंग वाला अपना जो प्लान हम लोग लेकर के चल रहे हैं वो अपना बेसिक चल रहा है, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना जो मैराथन सेशन है ना, वो उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। चलो इंतजार करो, सैलेन सर भी अपने साथ जुड़ चुके हैं, तो भाई स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। कल वाली टाइमिंग नोट कर ली होगी सबने, 9 बजे से सबसे पहले होगा आपका मॉर्निंग मोटिवेशन एंड 9:30 से हम लोग मिलेंगे अपने स्पेशल क्लास के लिए लाइव ऐप पे बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में, ठीक है ना, प्रैक्टिस करेंगे एक बेहतरीन फॉर्म में, उसके बाद आपका आएगा मैराथन। कल का तो आपको शेड्यूल ये रहने वाला है, ठीक है। चलो तो आज स्टार्ट करते हैं भाई, पॉलीमराइजेशन पूरा का पूरा जो कवर अप किया है फिर से एक शॉर्ट हुआ, मैंने क्या बोला हुआ, मैं डेली का डेली आपको इतना क्विक रिवाइज कराऊंगा कि आपको डेली कोई भी नोट या कॉपी खोलने की नीड नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो लास्ट लेक्चर का सोचो, जिस दिन लास्ट लेक्चर होगा सीटी का उस दिन क्या हाल होगा, क्या 2 घंटे केवल रिवीजन चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। चलो तो अभी हम लोग पॉलीमर वाला जो पार्ट क्लियर अप कर चुके हैं, उस पॉलीमर वाले पार्ट में हम लोगों ने सबसे पहले पॉलीमर की डेफिनेशन, डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, रिपीटिंग पॉलीमर, रिपीटिंग यूनिट्स क्या होती है वो क्लियर अप किया, उसके बाद टाइप ऑफ पॉलीमर जो है ना वो क्लियर अप किया। मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगा, मैं सीधे अब जो आज टॉपिक में आऊंगा उस पर बताऊंगा, अभी पहले एक क्विक रिवीजन मारते हैं। अब ये सब कवर अप करने के बाद जो पॉलीमराइजेशन टेक्निक थी उसको कवर अप किया, बल्क सॉल्यूशन, सस्पेंशन और इमल्शन, इनमें क्या बेसिक डिफरेंस होता है, बल्क में हॉट स्पॉट जनरेशन क्यों होता है, उसके पीछे का रीजन क्या है, सॉल्यूशन टेक्निक जो है उसको उसमें सॉल्वेंट जो ऐड करते हैं उसको सेपरेट करना क्यों टफ टास्क होता है, ठीक है ना। इसके बाद सस्पेंशन टेक्निक जो है, सस्पेंशन में अगर आपका उसको बीएल या पीट सस्पेंशन बोलते हैं तो वहां पर आपका पर्टिकुलरली स्टेबलाइजर का क्या रोल है, जो आपका मोनोमर और आपका जो पर्टिकुलर इनिशिएटर है वो सेम फेज में क्यों होने चाहिए। अगर सस्पेंशन के बाद इमल्शन की बात करते हैं तो इमल्शन में इमल्सीफायर किस तरह से वर्क करता है, वहां पर मेसलेक क्या रोल होता है, ठीक है ना। ये हम लोगों ने बात किया था। इसके बाद हम लोगों ने डिफरेंट टाइप के जितने पॉलीमर उनकी बात की, पॉलीएथिलीन, पॉलीप्रोपाइलीन, ठीक है ना, इनकी बात की, पॉलीथाइलिन की 3 ग्रेड हम लोगों ने डिस्कस की, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो डिस्कशन किया। इसके बाद पॉलीप्रोपाइलिन जो है ना उसमें कौन सा हम लोग पॉलीमर में कौन सा कैटलिस्ट यूज करते हैं वो डिस्कशन किया, पॉलीस्टायरीन, पीवीसी, ठीक है ना, और पॉलीकार्बोनेट। पॉलीकार्बोनेट एक एक्सेप्शनल केस था, यहां पर क्या है कि वो हमारा थर्मोप्लास्टिक है लेकिन वहां पर आपका जो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन टेक्निक यूज हो रही है। इसके बाद आए हम लोग थर्मोसेट्स में, थर्मोसेट में फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, यूरिया फॉर्मल्डिहाइड, ये सब कुछ हमने यूज किया। और इसके बाद हम लोग आए पर्टिकुलरली एपॉक्सी रेजिन और इसके बाद मेलामाइन, हम लोगों ने इन सब की बात की। और इसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया किसका, फाइबर के केस का। तो फाइबर में, फाइबर हम लोगों ने डिस्कशन किया किसका, जो आपके एमाइट से मतलब नायलॉन या नायलॉन 6/6, पॉलिस्टर का डिस्कशन किया, पॉलिस्टर की जो डिफरेंट ग्रेड है उनका सब डिस्कशन किया। उसके बाद हम लोग एक्रेलिक का डिस्कशन किया, फिर आया था किसमें, सेलुलोजिक फाइबर्स में। इसके बाद हम लोगों ने कल डिस्कशन स्टार्ट किया था किसका, पेट्रोलियम रिफाइनिंग का। तो कल डिस्कशन जो पेट्रोलियम रिफाइनिंग का स्टार्ट हुआ था उसमें हम लोगों ने बेसिक जो पैरामीटर्स हैं, जो उसकी क्रूड केमिस्ट्री है, कौन सा अपने लिए रिक्वायर्ड होता है, तो पैराफिनिक, ऑलेफिनिक, नेफ्थेनिक और एरोमेटिक कंपाउंड्स में से जो बेसिक आपके केमिकल कंपाउंड्स अवेलेबल होते हैं किसी भी क्रूड ऑयल में, उसमें से था क्या कि ऑलेफिनिक कंपाउंड जो है ना वो क्रूड ऑयल में अवेलेबल नहीं होता, उसको हम लोग रिफाइनिंग में क्या करते हैं, विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन प्रोसेस उसका जनरेशन होता है, इसको फर्दर हम लोग क्या करते हैं, उसको दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। इसके बाद हमने डिस्कशन किया था कि पर्टिकुलरली जो ऑक्टेन नंबर है उसका क्या सिग्निफिकेंस है, ऑक्टेन नंबर किस टाइप के केमिकल कंस्टिट्यूएंट के लिए हाई होता है, किसके लिए लो होता है। इसके बाद सीटेन नंबर के बारे में डिस्कशन किया। इसके बाद एनिलीन पॉइंट, स्मोक पॉइंट, ये सारे डिस्कशन करने के बाद हम लोग आए फिर अपनी एक प्राइमरी यूनिट में। प्राइमरी यूनिट्स में हम लोगों ने यह डिस्कशन किया कि एक्चुअली में जो रिफाइनिंग का प्रोसेस होता है वो किसके थ्रू होता है। तो कल हम लोग बात कर रहे थे लिक्विड फ्यूल्स के बारे में। तो लिक्विड फ्यूल्स में सबसे पहले अपने पास जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं सेपरेशन या फिर कन्वर्जन, ठीक है ना। तो सेपरेशन या कन्वर्जन की अगर बात आती है तो सेपरेशन के अंदर अपने पास 2 यूनिट निकल करके आती है, एटमॉस्फेयर डिस्टिलेशन यूनिट और वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट। एटमॉस्फेयर डिस्टिलेशन यूनिट का जो वर्किंग है वो आपका सिंपली क्या है कि वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे आपका रन करता है और वहां से जो निकलने वाले मेजर आपके कंपाउंड्स हैं वो आपके क्या है, या तो स्टेबलाइज नेफ्था है, अनस्टेबलाइज नेफ्था है, लाइट वैक्यूम गैस ऑयल है कि आपका हैवी वैक्यूम गैस ऑयल, ठीक है ना, और आपका रेजिडुअल पार्ट क्रूड रेजिडु। इसके बाद वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट की हम लोगों ने बात किया तो वहां पर सिंपली क्या था कि आपका 2 कंपोनेंट निकलते हैं, 3 निकलते हैं बेसिकली, वो होता है लाइट वैक्यूम गैस ऑयल, हैवी वैक्यूम गैस ऑयल और वैक्यूम रेजिड्यू। तो इस पर्टिकुलरली वैक्यूम डिस्टिलेशन यूनिट का जो आपका प्रोडक्ट होता है इसको हम पूरा का पूरा लेकर के जाते हैं कहां पर, एफसीसी में,
ठीक है ना। अब एफसीसी के अंदर क्या है, एफसीसी के अंदर सिंपली आपका कि फ्लूडाइज कैटालिटिक क्रैकिंग के अंदर हम लोग क्या कर रहे थे कि वहां पर रिएक्टर और रिजनरेटर के कॉम्बिनेशन से क्या कर रहे थे, जो आपका फीड है उसको क्या कर रहे थे, हैवियर हाइड्रोकार्बन को लाइटर हाइड्रोकार्बन चेन ब्रेक कर रहे थे। उसको ब्रेक करने के लिए कैटलिस्ट हम लोग यूज कर रहे थे, वो था हमारा ZSM5, ठीक है ना, उसका यूज कर रहे थे। राइजर के अंदर रिएक्शन हो रही थी, रिएक्टर के अंदर सिंपली क्रैकिंग रिएक्शन हो रही थी, आपका जो कैटलिस्ट था वो कोक्ड हो जा रहा था, उसको क्लीनिंग करने के लिए हम लोग भेज रहे थे रिजनरेटर में। वहां पर क्या करते, विद द हेल्प ऑफ एयर हम उसको क्या कर रहे थे, हीटअप कर रहे थे। हीटअप करने से क्या था कि वहां पर जो फ्ल्यू गैसेस थी, कार्बन जो था वो हमारा क्या हो जा रहा था, बर्न हो जा रहा था, और आपका कैटलिस्ट जो था वो दोबारा से रिएक्टिवेट हो जा रहा था। तो ये बात थी एफसीसी की। एफसीसी के बाद हम लोग आए थे फिर रिफॉर्मिंग में। रिफॉर्मिंग सिंपली क्या करते हैं कि वहां पर आपका कोई भी जो स्ट्रक्चर है नेफ्थेनिक या पैराफिनिक स्ट्रक्चर को उसको डिहाइड्रोजनेशन या आइसोमराइजेशन के थ्रू कन्वर्ट करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड में। तो वहां पर क्या करते हैं, स्लाइटली हम लोग इंक्रीज करते हैं क्या अपना ऑक्टेन नंबर विद द हेल्प ऑफ रिफॉर्मिंग यूनिट। रिफॉर्मिंग में जो कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं वो क्या होता है, रोडियम और प्लेटिनम सपोर्टेड ऑन एल्यूमिना, हम लोग ये यूज करते हैं। रिफॉर्मिंग के बाद हम लोग आए थे इसमें एल्काइलेशन में। एल्काइलेशन में सिंपली हम लोग एसिड बेस कैटलिस्ट का यूज करते हैं। वहां पर सिंपल सा आपने क्या करना होता है कि पर्टिकुलरली एल्काइलेट मतलब कि आइसोपैराफिन और ऑलफिन को मिलाकर के अपने को एल्काइलेट बनाना होता है, जो कि हमारा क्या होता है एक ब्रांच स्ट्रक्चर होता है, आइसोमरिक स्ट्रक्चर होता है, वो भी हमारा क्या करता है पर्टिकुलर जो ऑक्टेन नंबर है आपका किसी भी फ्यूल का उसको बूस्टअप करता है। फिर हम लोगों ने बात किया था इसके बाद विस्ट ब्रेकिंग, कोकिंग और हाइड्रोप्रोसेसिंग मतलब हाइड्रोक्रेकिंग और हाइड्रोट्रीटिंग की बात किया था, ठीक है ना। तो कल का पूरा कंटेंट आपका ये था। इसके बाद एक कंप्लीट ओवरव्यू भी लास्ट में लिया था कि पर्टिकुलरली जितने भी रिफाइनरी की यूनिट्स हैं इनका आपस में क्या कनेक्शन होता है, जितने भी प्रोडक्ट्स आपके निकलते हैं इनका एक बॉइलिंग पॉइंट का रेंज क्या होता है, ठीक है ना। चलो तो 25 लोग जुड़ चुके हैं, अब स्टार्ट करते हैं अपना फर्दर आज का टॉपिक जो कि आज का कवर अप होने वाला है। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पेट्रोलियम रिफाइनिंग के सेकेंड पार्ट की, जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द गैसियस फ्यूल्स, ठीक है ना। ध्यान सुनना, यहां से भी क्वेश्चन आपके आते हैं क्योंकि पूरा का पूरा पेट्रोलियम का सेक्शन बहुत बड़ा सेक्शन है, ठीक है ना। जिन्होंने भी क्रैश कोर्स अटेंड किया होगा उस समय देखा होगा, वो भी क्रैश कोर्स में भी आपको क्या एक लिमिटेड टाइम में पढ़ाया गया था, लिमिटेड थ्योरी बताई गई थी, ठीक है ना। अभी रिविजन में पढ़ रहे हो आप, तो बस रिविजन में आपको वो मिल रहा है जो आपके लिए बिल्कुल और बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन अगर आएगा तो आप हिट करके आओगे, डिटेल थ्योरी की अब नीड नहीं है। तो अभी स्टार्ट करते हैं भाई, तो अभी स्टार्ट करते हैं। जयेश बेटा आप आ गए, अभी स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना नेक्स्ट टॉपिक गैसियस फ्यूल्स की बात करते हैं। भाई लिक्विड फ्यूल्स की कल बात कर ली थी, अब अगर गैसियस फ्यूल्स की बात करते हैं तो गैसियस फ्यूल सबसे पहले आपके सामने टॉपिक लिखा हुआ है नेचुरल गैस। तो ये गैसियस फ्यूल्स जो है ना, इसके पहले एक चीज और आती है, उससे क्वेश्चन एक बार या दो बार आया हुआ है, ठीक है ना। वो ये है कि पर्टिकुलरली अगर कोई भी आपका कोल है, कोयला जो है, उस कोल के लिक्विफैक्शन से, लिक्विफैक्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी लिक्विड फ्यूल जो जनरेट कर सकते हैं क्या। ऐसी टेक्नोलॉजी अभी वर्ल्ड में बहुत कम यूज हो रही, किसी टाइम में यूज होती थी वर्ल्ड वॉर टैंक टाइम में यूज होती थी, तो वहां पर अपने पास साइलेंसर हैबिट हो चुकी है। जैसे आप याद कर लेते हो इतनी बड़ी बड़ी केमिकल रिएक्शन का, उनका जो परफॉर्मेंस इक्वेशन, उनकी इक्वेशन जो है ना, उनका फॉर्मूला आपको याद रहता है, वो मेरे को आज तक याद नहीं हुआ, ठीक है ना, बस यही डिफरेंस है। तो अब अगर हम लोग बात कर रहे थे किसके लिए गैसियस फ्यूल में, तो अगर कोई भी कोल है, कोल के लिक्विफैक्शन से भी, ये पार्ट आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है ना, वहां से क्वेश्चन बहुत कम पुटअप होता है, इसलिए उसको हम लोग रिकॉल नहीं कर रहे हैं। कोल का जो लिक्विफैक्शन होता है, बहुत से लोग ये बोलते हैं ना, सर आप तो ये आधा वाला पार्ट छोड़वा देते हो, कैसे रिविजन करवा के चल रहे हो आप, ठीक है ना। तो रिविजन बेटा अपने को वो करना है ना, अपने को सीधी सी बात यह है कि पर्टिकुलरली जो किसी भी मैच में सबसे ज्यादा बॉल जो मारी जाती है उसका प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कराई जाती है ना, तो हम लोग बस वही कर रहे हैं कि अगर सबसे ज्यादा पर्टिकुलरली अगर दक्षिण अफ्रीका की टीम है, साउथ अफ्रीका की, उसमें पर्टिकुलर जो बॉलर्स हैं उन बॉलर्स की लेंथ क्या है, ठीक है ना, किस टाइप की बॉल मारते हैं वो, तो उसकी प्रैक्टिस ज्यादा कराई जाती है ना, ठीक है ना। तो बस हम लोग वही कर रहे हैं, अगर कोई यॉर्कर, कोई बॉलर अगर यॉर्कर ज्यादा मारता है तो यॉर्कर की प्रैक्टिस सबसे ज्यादा कराई जाती है, तो हम लोग बस ये समझ लो कि हम लोग यॉर्कर की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है ना। अपने को कोई नीड नहीं है कि हम लोग स्पिन की प्रैक्टिस करें, ठीक है। चलो तो कोल लिक्विफैक्शन वाला जो पार्ट है ना, इसमें सिंपल से बस सुन लो, दो पार्ट आते हैं इसके अंदर, दो चीजें आती हैं। कोल लिक्विफाई करके उससे क्या करना होता है, उससे हमें जो गैसोलीन है ना, गैसोलीन उसको मैन्युफैक्चर करना होता है। हम लोग कोल के लिक्विफैक्शन से गैसोलीन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, सिंपल सा, ठीक है ना। तो वहां के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो आपकी प्रोसेस जनरली हम लोग यूज करते थे, वो प्रोसेस क्या थी, वो ये है हमारे पास। सबसे पहले जो प्रोसेस यूज की जाती, दैट इज द बर्जियस प्रोसेस। बर्जियस प्रोसेस हम लोग यूज करते थे, ठीक है ना। इसमें सिंपली क्या करते थे, कोल जो है ना, कोल को हैवी आपका ऑयल के साथ ना मिला करके उसको हीट अप करके विद द हेल्प ऑफ कैटलिस्ट उसको कन्वर्ट करते थे, किसमें, हैवी ऑयल, लाइट ऑयल में और आपका गैसियस फॉर्म में, ठीक है ना। तो यहां से एक बर्जियस प्रोसेस हम लोग यूज करते थे। इसके अलावा
ठीक है ना। अब बर्जियस प्रोसेस का सबने सिग्निफिकेंस जो वर्ड वार के टाइम में था, इसके अलावा सेकंड प्रोसेस जो हम लोग यूज करते थे उसका नाम कोई गेस कर सकता है? उसका नाम कोई गेस कर सकता है बर्जियस प्रोसेस के अलावा? ये लोग पढ़ के बैठे हैं जरा वो बताएं मेरे को। बेटा मेरा लेक्चर वन रिवीजन का यही चैनल जहां पर आप मुझे देख रहे हो ना, वहां पर आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ वेरी गुड बेटा, जो मेरा आप देख रहे हो लेक्चर, ठीक है ना, इसका एक मैं आपको प्लेलिस्ट जनरेट करके दे दूंगा, वैसे अभी मिल जाएगी कुछ दिन बाद, अभी आज फोर्थ लेक्चर ही है। इसका जो फर्स्ट लेक्चर है वो आपको इसी चैनल का, आप वीडियोस में सर्च करोगे केमिकल सिविल वाले वीडियोस में सर्च करोगे वहां पर आपको मिल जाएगा, फर्स्ट लेक्चर मेरा मिल जाएगा, ठीक है ना। हाँ, उसको बोलते थे हम लोग फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस, उसको बोलते थे फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस, फिशर ट्रॉप्स प्रोसेस, ठीक है ना। ये दो प्रोसेस हम लोग जनरली यूज करते थे फॉर द लिक्विफेक्शन ऑफ कोल, जहां से हम लोग क्या करते थे इस प्रोसेस के थ्रू, हम क्या करते थे इस प्रोसेस के थ्रू आपका सिंथेसिस गैस का फॉर्मेशन भी होता था, ठीक है ना। चलो तो ये दो प्रोसेस हैं, इनके एक बार पूछा गया था, इनसे रिलेटेड 90s में क्वेश्चन आया था, अभी नहीं आया, करंट 20 ईयर्स में कोई क्वेश्चन नहीं आया है, लास्ट के जो 10 ईयर्स थे 90 से लेकर के और 2010 वाला जो टाइम था, 2000 वाला जो टाइम था वहां पे इससे क्वेश्चन आया था, उसमें बर्जियस या फिर आपका फिशर ट्रॉप प्रोसेस का कैटलिस्ट पूछा गया था, ठीक है ना। चलो तो हम लोग अभी जो बात करने वाले हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो भाई गैसियस फ्यूल में सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो आती है नेचुरल गैस की, जो नेचुरली ऑकरिंग आपकी गैस है, जो नेचुरल आपका अर्थ क्रस्ट से आपके निकलती है, जैसे कि आपके ऑयल का एक्सप्लोरेशन किया जाता है वैसे ही आपका गैस का भी एक्सप्लोरेशन किया जाता है, तो उस केस में सबसे पहले जो कैटेगरी आती है वो आती है नेचुरल गैस की। तो नेचुरल गैस जनरली जो कॉम्बिनेशन होती है उसमें आपका मेथेन होता है, ठीक है ना, प्रोपेन होता है। बहुत से लोग ये बोलेंगे सर ये कहां आपने बोल दिया, ठीक है ना, ब्यूटेन, ब्यूटीन, लेकिन पूरा का पूरा मैंने एक कॉम्बिनेशन लिखा है नेचुरल गैस का पूरा एक कॉम्बिनेशन लिखा है जो नेचुरली आपका निकलता है, और वहां से अपने को इन पूरे का पूरे कॉम्बिनेशन में जो मेजर फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन है आपका किसका, वो है मेथेन का। इसीलिए हम लोग जनरली बोलते हैं कि नेचुरल गैस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ या फिर बेसिक कंपोनेंट अवेलेबल इन द नेचुरल गैस इज, कई एक और क्वेश्चन आया है ये वाला, तो उसमें अपने पास ऑप्शन आता है क्या, मेथेन का। और जनरली अगर हम लोग बात करते हैं केमिस्ट्री की, अगर बात करेंगे नेचुरल गैस की, तो वहां पर आपको एक्चुअली पता चलेगा कि वहां पर एक्चुअल में उसमें कौन कौन से कंपाउंड अवेलेबल होते हैं, लेकिन इनका फ्रैक्शन क्या होता है, बहुत कम होता है, 5%, 2%, लेस देन मतलब कि 15% के अंदर बाकी कंपोनेंट होते हैं, बाकी का मेजर फ्रैक्शन आपका मेथेन का होता है, ठीक है ना। तो नेचुरल गैस अपने पास जो अवेलेबल होती है, जो हम लोग यूज करते हैं, वो जो नेचुरल गैस आपकी अवेलेबल होती है वो दो फॉर्म में अवेलेबल होती है। जो फर्स्ट फॉर्म आपके पास आता है वो होता है सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और दूसरा जो आता है उसको बोलते हैं एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए, ध्यान से सुनो, ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए और सेफ्टी पर्पस के लिए हमने उसको क्या किया, उसको कंप्रेस करके सिलेंडर में वॉल्यूम में क्या किया, उसको फिलअप किया ताकि आपका ट्रांसपोर्टेशन के लिए इजी हो जाए, उसको हम लोगों ने बोला सिंपली कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी। और अगर कोई भी नेचुरल गैस है उसको अगर कूल डाउन करते हैं, कूल डाउन का मतलब क्या है, लगभग -160 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास अगर कूल डाउन करते हैं तो वो लिक्विफाइड हो जाती है नेचुरल गैस, और उसको हम लोग यूज करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ कुकिंग फ्यूल, ठीक है ना। तो वो हमारी होती है लिक्विफाइड नेचुरल गैस के पार्ट में। और जो नेचुरल गैस की कलोरीफिक वैल्यू है, जो नेचुरल गैस की कलोरीफिक वैल्यू है वो आपका इस रेंज में लाई करती है 8400 से 9100 के रेंज में। और क्वेश्चन जो आपका राइज होता है नेचुरल गैस में वो यहीं से राइज होता है, या तो आपसे यहां पर ये पूछा जाएगा कि पर्टिकुलरली नेचुरल गैस किसका कॉम्बिनेशन होती है, और या फिर पर्टिकुलरली नेचुरल गैस की कलोरीफिक वैल्यू। तो कलोरीफिक वैल्यू डिजिट नहीं पूछी जाएगी आपसे, क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा अभी मैं लास्ट में बताऊंगा, ठीक है ना। बस क्लोरोफिक वैल्यू अपने माइंड में रखते जाना। ये तो बात हो गई किसकी, नेचुरल गैस की। नेचुरल गैस का तो हम लोग बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं एलपीजी की। सबके घरों में यूज होती है एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है ना। तो यहां पर लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का जो मेजर फ्रैक्शन होते हैं वो आपके होते हैं C3 और C4 कंपाउंड, मतलब कि प्रोपेन, नॉर्मल प्रोपेन एंड आइसोप्रोपेन, नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ठीक है ना। मैंने क्या बोला था आइसोब्यूटेन का ऑक्टेन नंबर कितना होता है, 94 से 95, आइसोब्यूटेन का ऑक्टेन नंबर होता है, ठीक है ना। इसीलिए आपका कोई भी जो गैसियस फ्यूल होता है, जो गैस होता है, अब देखते हो ना कोई भी पुराने जो आपके ऑटो रिक्शा आते थे वहां पर अभी सीएनजी यूज होने लगा, पहले हम यूज करते थे क्या, एलपीजी का, एलपीजी वाले ऑटो रिक्शा आते थे,
ठीक है ना। तो उस पर्टिकुलर एलपीजी वाले ऑटो रिक्शा में उसमें पेट्रोल भी हम यूज कर लेते थे, उसमें एलपीजी भी यूज कर लेते थे। उसके पीछे का मेन रीजन क्या था, आज समझ में आ रहा है उसके पीछे का मेन रीजन क्या था, कि सेम रिक्शा में पेट्रोल यूज हो रहा है और सेम रिक्शा में एलपीजी आपका एलपीजी यूज हो रही है। तो उसके पीछे का मेन रीजन ये है कि पर्टिकुलरली अभी तक हम लोग के दिमाग में केवल इतना बैठा रहता था कि आपका पर्टिकुलर जो पेट्रोलियम गैस है आपके एलपीजी जो है वो केवल आपका प्रोपेन और ब्यूटेन C3 और C4 कंपाउंड का। लेकिन एक्चुअल में हकीकत क्या है, वहां पर उस पर्टिकुलर जो एलपीजी की जो क्लोरीफिक वैल्यू है, या फिर हम ये बोले कि उस पर्टिकुलरली एलपीजी का जो ऑक्टेन नंबर है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है, अगर एलपीजी को आप किसी पिस्टन और सिलेंडर कॉन्सेप्ट में यूज कर रहे हो तो वहां पर कंप्रेसिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। तो अगर कंप्रेसिबिलिटी कॉन्सेप्ट आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है जो भी फ्यूल आप यूज करो दैट विल बी सिमिलर टू द आइसोक्टेन एंड हेप्टेन। तो अगर वो उस रेंज में लाई करेगा, उसकी कंप्रेसिबिलिटी अगर उस रेंज में लाई करेगी तो ही हम उसको एलपीजी को या फिर किसी भी फ्यूल को पेट्रोल इंजन में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो तो ये तो बात हो गई किसकी, एलपीजी की। तो एलपीजी के लिए जनरली क्या है, कॉम्बिनेशन आपका ये होता है, और एलपीजी में स्मेल को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या मिलाते हैं, जल्दी से बताओ जरा क्या मिलाते हैं, मर्करी, ठीक है ना। कैसा है सर, आपका ये सल्फर कंपाउंड है, ठीक है ना, मर्करप्टन जो है सल्फर कंपाउंड है, ये मर्करप्टन ही आपका क्या करता है उस एलपीजी में जो आपकी स्मेल आती है, क्योंकि एलपीजी जनरली जो रिफाइनरी में प्रोड्यूस की जाती है वो आपकी कैसी ऑर्डरलेस गैस है, उसमें कोई भी दुर्गंध नहीं होती है, लेकिन उसमें ऑर्डर को जनरेट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मर्करप्टन मिलाते हैं ताकि वो आपके लीव प्रूफ हो। हाँ वेरी गुड बेटा चिराग, हाँ ठीक है ना। चलो तो ये तो बात हो गई भाई एलपीजी की। तो एलपीजी क्लोरीफिक वैल्यू कितनी होती है, 25,000। अभी पीछे जब देख करके आए हम लोग किसकी, जो पीछे देखा हम लोगों ने नेचुरल गैस क्लोरीफिक वैल्यू वो कितनी थी आपकी, वो थी 9100 के आसपास, ठीक है ना। चलो अब आगे बात करते हैं एलपीजी के बाद, यहां बहुत डिटेल में अपने को जाने की जरूरत नहीं है इसलिए हम लोग शॉर्ट में लेकर के चल रहे हैं। एलपीजी के बाद एक गैस और आती है, ठीक है ना, वो आती है अपनी प्रोड्यूसर गैस। क्वेश्चन यहां से राइज हुआ था 19 में, ठीक है ना। अब यहां से क्वेश्चन राइज हुआ था उसमें बहुत से लोग कंफ्यूज हुए थे, ठीक है ना। क्वेश्चन को ध्यान, इसका जो टॉपिक है इसको थोड़ा ध्यान से सुनो, जितने भी लोग मेरे को पहली बार सुन रहे हो। सिंपल सी बात की आती है, प्रोड्यूसर गैस का जो नेम पड़ा हुआ है, प्रोड्यूसर गैस जनरली हमारा क्या है, वो कॉम्बिनेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। ध्यान से सुनते जाना बिल्कुल, ये कॉम्बिनेशन जो कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन होता है इसको हम लोग यूज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रोड्यूसर गैस। लेकिन इसको बनाने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया, इसको बनाने के लिए अपने को जो बेसिक रॉ मटेरियल चाहिए वो है सबसे पहले अपने को कोल, ठीक है ना। सेकंड है अपने को एयर, भाई एयर में नाइट्रोजन अच्छी खासी क्वांटिटी में परसेंटेज में अवेलेबल होती है ना, तो कोल अपने को इजीली मिल जाता है, बहुत ज्यादा कॉस्टलियर नहीं होता है, एयर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से सिंपली क्या है, रेड हॉट कुक में अगर एयर पास कर देते हैं तो हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है ना। लेकिन वो फॉर्मेशन करने के लिए अपने को क्या करना है, उसके लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर और प्रेशर जो आपकी ऑपरेटिंग कंडीशन है वो अपने को मेंटेन करना पड़ेगा। तो प्रोड्यूसर गैस को प्रोड्यूस करने के लिए अपने पास दो रूट अवेलेबल होते हैं, इसको बस आपको ध्यान सुनना है बिल्कुल, अब आंख कान नाक दिल दिमाग सब आपका इधर होना चाहिए। पहला जो रूट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एयर ब्लास्ट रूट, और जो सेकेंड रूट होता है उसको हम लोग बोलते हैं एयर स्टीम ब्लास्ट रूट। सेकेंड रूट ये होता है, ठीक है ना। अब इसमें से इन दोनों में डिफरेंस क्या है, क्योंकि जो क्वेश्चन आया था वो 19 वाला क्वेश्चन वास्तव में मेरे जब मैंने भी देखा था तो मेरे को भी डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था उसने, कि यार ऐसा क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि अब पर्टिकुलरली उस क्वेश्चन में से आंसर जो दिए जा रहे थे उसमें से दो ऑप्शन सही थे, ठीक है ना, किसी के पास अगर होगा तो देख सकते हो। तो एयर ब्लास्ट रूट और दूसरा आपका जो होता है एयर स्टीम ब्लास्ट रूट, इन दो के थ्रू हम क्या करते हैं, प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मेशन करते हैं। अब जरा मेरी बात को ध्यान सुनना, जनरली होता क्या है, हाँ केरोसिन यूज कर सकते हो, केरोसिन वाला जनरेटर नहीं आता है, केरोसिन वाला एक छोटा सा जनरेटर आता है उसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं आप लाइट प्रोड्यूस कर सकते हो, तो यूज कर सकते हो, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं तो उसमें ना कहीं आपका जो इंजन या पिस्टर है ना उसमें प्रॉब्लम आपकी आ जाएगी, ठीक है ना। कंटिन्यूअस यूज नहीं कर सकते आप, एक बार कभी आपने बाई चांस यूज कर लिया, हाँ। तो फर्स्ट रूट की अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वहां पर सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जो कोल है, कोल का मतलब क्या हो गया, कार्बन, ठीक है ना। कार्बन हम क्या पास कर रहे हैं, एयर पास कर रहे हैं, ठीक है ना। एयर कैसी है, रेड हॉट एयर, रेड हॉट कोक, आपका रेड हॉट कोक है, उसमें सायटियम क्या कर रहे हैं, केवल एयर पास कर रहे हैं। तो एयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, ठीक है ना। तो यहां से क्या बना, ध्यान से देखना जरा, यहां से क्या बना, CO2 प्लस N2, अभी फॉर्मेशन ये हुआ, ये पहला स्टेप है, ये एयर ब्लास्ट रूट का पहला स्टेप है,
ध्यान सुनना, अब दूसरे स्टेप में क्या होता है, दूसरे स्टेप में सिंपली ये होता है कि आपका जो ये CO2 है ना, आपका जो CO2 है ये क्या करेगा, जो कार्बन आपका अवेलेबल है उसके साथ में रिएक्शन करेगा और इसको हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। और ये रिएक्शन जो लिखी हुई है ना, अब इधर ध्यान से देखो, अब यहां से क्वेश्चन आपके पुट अप होना स्टार्ट हो गए। ये जो आपके सामने रिएक्शन लिखी हुई है, इस रिएक्शन का जो नेम है, उस रिएक्शन को नेम को बोलते हैं बोडॉट रिएक्शन, ठीक है ना। 1991 या 1992 में क्वेश्चन ये आया था, वहां पर आपको रिकॉग्नाइज करना था कि बोडॉट रिएक्शन कौन सी है और वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कौन सी है। तो ये सिंपल सी जो रिएक्शन लिखी हुई है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्शन होता है कार्बन के साथ में, रिवर्सिबल रिएक्शन होती है, वहां से अपने को कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं बोडॉट रिएक्शन, ठीक है ना। अब ये जो रिएक्शन आपके सामने लिखी हुई है ना, अब ये पूरी की पूरी रिएक्शन एक कंप्लीट रिएक्शन होती है। ये जो लिखा हुआ है ना, ये दो स्टेप की रिएक्शन जो होती है, अगर कंप्लीटली लिखोगे तो ये कंप्लीट रिएक्शन ऐसी हो जाएगी, 2C प्लस O2 प्लस N2 गिव्स 2CO प्लस N2। ये कंप्लीट रिएक्शन होती है आपकी, कोई भी जो वाटर गैस की जो प्रोड्यूसर गैस की आपकी रिएक्शन जो है ना, वो कंप्लीट रिएक्शन ये होती है। तो ये रिएक्शन कहां पर हो रही है, ये रिएक्शन हो रही है आपकी एयर ब्लास्ट फर्नेस में, ठीक है ना। अब एयर ब्लास्ट के बाद क्या होता है, हमने क्या किया वहां पर, कुछ चेंजेस किए, दिमाग लगाया किसी ने भाई कि एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं कि जो आपकी एयर है ना, उस एयर में अगर हम क्या करें कि आपका जो स्टीम है उसको इंजेक्ट कर दें, तो वहां से क्या होगा, जो आपका एयर है वो उस एयर का टेम्परेचर राइज हो जाएगा, स्टीम की लेटेंट हीट जो होती है वो अच्छी होती है। तो सेकेंड रूट जो निकल करके आया, जो सेकेंड रूट निकल करके आया उसको जरा देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो, मैं दूसरे उसमें डाल रहा हूं। फिर सेकंड जो लेकर निकल करके आया, सेकंड स्टेप की बात कर रहा हूं मैं, किसकी बात करने जा रहा हूं अभी, मैं अभी बात करने जा रहा हूं आपका किसका, एयर स्टीम ब्लास्ट की, ठीक है ना। इसकी अगर बात करते हैं तो इसमें सिंपली हमने क्या किया कि जो आपका कार्बन था ना, पहली रिएक्शन जो थी ना ये वाली रिएक्शन, ये रिएक्शन आपकी एज इट इज थी, इसके बाद जो सेकेंड रिएक्शन थी वो एज इट इज थी, इसके बाद वहां पर क्या हुआ, एक थर्ड रिएक्शन और हुई। थर्ड रिएक्शन क्या हुई, हम यहां पर यूज कर रहे हैं किसका, स्टीम का यूज कर रहे हैं। तो स्टीम ने क्या रोल प्ले किया उसको ध्यान से देखना जरा, इसने रोल ये प्ले किया कि सी प्लस एच टू ओ गिव्स द एक रिएक्शन ये हुई, अगली रिएक्शन ये हुई, ठीक है ना। अगर बाय चांस रिएक्शन बैलेंस ना हो तो माइंड नहीं करना, ये आपकी सेकंड रिएक्शन हुई। अब यहां पर हुआ क्या, देखो थर्ड और फोर्थ रिएक्शन क्या थी, ये आपकी क्या हुई, ये एडवांस रिएक्शन हो गई, मतलब कि इनकी हमें, अगर हमने स्टीम का यूज कर लिया तो यहां से देखो फायदा क्या हो गया, फायदा ये हो गया कि अपने पास यहां से देखो क्या हो रहा था, यहां से अपने पास ये फॉर्मेशन तो हो रहा था ना, ये फॉर्मेशन तो हो ही रहा था, मतलब हमें इतने से क्या मिल रहा था, प्रोड्यूसर गैस मिल रही थी, बेनिफिट क्या हो गया कि यहां से अपने को कार्बन मोनोऑक्साइड का देखो परसेंटेज और ज्यादा मिल गया, और प्लस क्या हो गया, यहां पर आपका जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन इज ऑल्सो फ्लेमेबल गैस, तो हाइड्रोजन भी कुछ ना कुछ अपना कैलोरीफिक वैल्यू जो है ना वो इनपुट करेगा आपके फ्यूल में। एक पार्ट तो ये हो गया, इसके बाद एक रिएक्शन यहां पर और होती है। ये सारी की सारी कैसी है, ये रिएक्शन तो आपकी प्लस, इसके अलावा कुछ साइड रिएक्शन भी होती है। साइड रिएक्शन क्या होती है जरा उसको देख लो, साइड रिएक्शन क्या होती है जरा उसको देख लो, एक रिएक्शन ये होती है जो कार्बन मोनोऑक्साइड अवेलेबल है ना, वो स्टीम के साथ में क्या करता है, रिएक्ट करके CO2 का फॉर्मेशन करता है। ये कैसी है, साइड रिएक्शन हो रही है। एक रिएक्शन और होती है भाई, उसको भी देख लो भाई, कार्बन अवेलेबल है ना, वो कार्बन क्या कर रहा है, जो आपकी हाइड्रोजन का जनरेशन हुआ उसके साथ में एक साइड रिएक्शन और होगी, और वो क्या बनाएगा आपका, वो बनाएगा आपका मेथेन। अब मेथेन भी आ गए, मेथेन इज ऑल्सो फ्लेमेबल गैस, इस वजह से ध्यान सुनना, इस वजह से यहां पर क्या है, हाइड्रोजन भी अवेलेबल है, मेथेन भी अवेलेबल है, और यहां पर पर्टिकुलरली CO का आपका जो फ्रैक्शन है वो भी आपका ज्यादा बन रहा है। तो इस वजह से क्या हुआ, इस पर्टिकुलरली रूट से बनने वाली जो प्रोड्यूसर गैस थी, इसकी कैलोरीफिक वैल्यू कंपेयर टू द एयर ब्लास्ट रूट से बनने वाली प्रोड्यूसर गैस है उससे ज्यादा है, ठीक है ना। ये बेनिफिट मिला आपने को यहां से, और ये अब देखो इसमें ड्रॉबैक भी कुछ निकल करके आया। ड्रॉबैक क्या होता है कि यहां पर ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ना, ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ध्यान से देखना जरा, ये रिएक्शन जो लिखी हुई है, दिस इज अनवांटेड रिएक्शन, ये अपने को जरूरत नहीं है। ये कब होती है, पूरी की पूरी जो आपका प्रोड्यूसर गैस का जो प्रोसेस होता है, ये कितने डिग्री पे होता है, ये होता है आपका 1100 से लेकर के 1300 डिग्री सेंटीग्रेड पे, इतने टेम्परेचर पे प्रोसेस कंप्लीट होता है। लेकिन टेम्परेचर अगर इससे नीचे फॉल कर गया, इससे नीचे अगर डिक्रीज कर गया आपका टेम्परेचर, तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर आपका 500 से 600 की रेंज में आ गया, तो ये रिएक्शन जो है ना, फिर ये रिएक्शन होने लगती है जो कि अनवांटेड है, अनडिजायर्ड, क्योंकि यहां पर क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन हो रहा है, जो अपने लिए क्या है, फिजिबल नहीं है।
ठीक है ना। तो अपने लिए टेम्परेचर जो है ना वो 1000 डिग्री के नीचे नहीं आना चाहिए, ये कमेंटरी आपकी कंडीशन है किसके लिए, प्रोड्यूसर फॉर्मेशन के लिए। चलो अब आगे बात करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लो जल्दी से, अगर लेना चाहते हो ले लो जल्दी से, मैं आगे मूव करता हूं। और भी कई प्रॉब्लम होती है इसमें, ठीक है ना। प्रॉब्लम ये होती है कि अगर टेम्परेचर आपका क्या है, अगर आप जो कोल यूज कर रहे हो कोल की अगर हीट कैपेसिटी अच्छी नहीं है तो वो क्या होगा, बहुत जल्दी आपका एस में कंटेंट हो जाएगा। तो वो एस जो है ना वो क्या करेगी, आप जब कोयला जलाते हो, कोयले में कभी देखा है ना कि जो भट्टी जलाने वाले होते हैं, जहां पर भट्टी यूज की जाती है कोयले की, वो क्या करते हैं, जितना भी एस आपका जनरेट होता जाता है ना उसको क्या करते हैं, वो निकालते रहते हैं, वो झाड़ते रहते हैं नीचे, ताकि वो क्या उसको बोलते हैं क्लिंकरिंग। वो क्या करता है कि आपका जो कोल है ना उसकी जो हीट है वो हीट को क्या करता है, लेस करता है, उसकी एक्टिविटी की जो कोल की एक्टिविटी है ना उसको कम करता है, ठीक है ना। तो वो अपने को क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। तो वो प्रोसेस नहीं होना चाहिए, हम लोग को ये मेंशन करना रहता है। तो ये दो रूट होते हैं अपने पास, कौन से, एयर ब्लास्ट रूट और एयर स्टीम ब्लास्ट रूट। क्वेश्चन क्या आया था अब ये सुनो, क्वेश्चन 19 में जो क्वेश्चन आया था उसमें ये पूछा गया था कि द फॉलोइंग आर द प्रोसेस स्टेप्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ प्रोड्यूसर गैस। वहां पर यह लिखा हुआ था बाय पासिंग द एयर थ्रू द रेड हॉट कोक, ऑप्शन ये भी था वहां पर, ये भी ऑप्शन था बाय पासिंग द एयर एंड स्टीम थ्रू द रेड हॉट कोक। अब बच्चा ये कंफ्यूज था, उसको आज तक मैक्सिमम अगर आप देखोगे तो आपको यही पता रहता है कि आपका जो प्रोड्यूसर गैस फॉर्मेशन होता है वो सिंपली होता है बाय पासिंग द एयर थ्रू द पासिंग द एयर थ्रू द रेड हॉट कोक, फर्स्ट वाला रूल मैक्सिमम लोगों को पता रहता है। अब वहां पर जो उस साल जो राइट ऑप्शन दिया गया था वो ये दिया गया था, ठीक है ना। तो अब आपके सामने ये दोनों के दोनों का आंसर पता है, अगर आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आता है तो वो क्वेश्चन में आप दोनों आंसर टिक करके आओगे और क्वेश्चन वो एमएसक्यू का होगा, ठीक है ना। चलो अब आगे मूव करते हैं प्रोड्यूसर गैस के बाद में, क्लियर हो गया होगा आई थिंक, कोई डाउट तो नहीं किसी को, मैं डाउट पूछना भूल जाता हूं भाई, डाउट है क्या किसी को, मैं डाउट पूछता ही नहीं हूं, जल्दी बताओ किसी को कोई डाउट है क्या। लोग जुड़े हुए हैं, क्लियर, चलो अच्छी बात है, रिवीजन चल रहा है। सोना नहीं किसी को, ठीक है ना, अभी लास्ट में प्रसाद बटेगा, अभी इसमें घंटा बजाने के लिए भी तैयार रहना थोड़ा सा, ये कथा इतनी बोरिंग ना हो। चलो ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं, फिर आगे मूव करते हैं प्रोड्यूसर गैस के बाद जो नेक्स्ट आता है। अच्छा हाँ, प्रोड्यूसर गैस की जो कैलोरीफिक वैल्यू है इसको आपके ने हम लोगों ने हाईलाइट नहीं किया, वो है 1200, ठीक है ना। इसके बाद एक गैस और आती है, उसका जिक्र भी कर देता हूं मैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछी गई थी, एक ही बार पूछा गया था। अगली गैस जो आती है उसको बोलते हैं वाटर गैस। वाटर गैस, वाटर गैस का फॉर्मेशन सिंपली क्या होता है कि अगर हम क्या करते हैं, सिंपल कि जो आपका रेड हॉट कोक है उसमें क्या करते हैं, अगर स्टीम पास करते हैं, रेड हॉट कोक में अगर स्टीम पास करते हैं तो अपना क्या होता है, वाटर गैस का फॉर्मेशन होता है। इसको हम लोग ब्लू गैस भी बोलते हैं क्योंकि ब्लू फ्लेम के साथ में जलती है, और इसकी जो क्लोरोफिक वैल्यू आपकी होती है वो होती है 2800 के आसपास, ठीक है ना। अब क्वेश्चन जो आया था वो ये आया था कि प्लीज अरेंज द फॉलोइंग गैसियस फ्यूल्स इन द इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्लोरोफिक वैल्यूज, क्वेश्चन ये आया था, ठीक है ना। क्वेश्चन प्रोड्यूसर गैस का तो सिंगल आ चुका है, क्वेश्चन कई बार ये भी आ चुका है कि द फॉलोइंग इज द फॉलोइंग इज द बेसिक कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूसर गैस और सिंथेसिस गैस, ये क्वेश्चन भी आ चुका है। लेकिन जो क्वेश्चन अच्छे से आया था बेटा, जितनी भी गैस आप पढ़ रहे हो ना, जितनी भी गैस आप पढ़ रहे हो, चाहे वाटर गैस हो चाहे वो प्रोड्यूसर गैस हो, इन सब का सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है वो है आपका मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज में। जितनी भी आपकी फर्नेस बर्न होती हैं, जितनी फर्नेस रन करती हैं ना, वो ब्लास्ट फर्नेस हो या कोई भी फर्नेस हो, उन सब में हम लोग इन गैसेस का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो जहां पर भी स्टील प्लांट होते हैं, स्टील प्लांट जहां पर स्टील मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, वहां पर हम लोग ना प्रोड्यूसर गैस का फॉर्मेशन करते हैं, वहां पर यूज करते हैं हम लोग प्रोड्यूसर गैस का, वहां पर कोई और फ्यूल लेकर के नहीं आते हैं। क्योंकि कोयला, देखो जो कोयला आ रहा है उस कोयले को हम लोग उस कार्बन से, उस कोयले से हम लोग क्या है, उस कोयले का हम लोग यूज करने वाले स्टील मैन्युफैक्चरिंग के भी, और उसी कोयले से क्या करते हैं, यूटिलाइज करके हम लोग क्या करते हैं, अपना गैसियस फ्यूल जो है ना वो जनरेट कर लेते हैं। कोयला डायरेक्टली बंद करेंगे तो बहुत ज्यादा आयस जनरेट होगी, पॉल्यूशन प्रॉब्लम्स आएंगी, तो उसके थ्रू क्या कर लेते हैं, हम लोग अपना प्रोड्यूसर गैस जो है उसका फॉर्मेशन कर लेते हैं। तो सारी की सारी जो गैसेस हैं जो हम लोग पढ़ रहे हैं, इन सबका यूटिलाइज, एलपीजी और नेचुरल गैस को छोड़ करके, ये जो गैसेस पढ़ रहे हैं इनका हम लोग यूटिलाइज करते हैं इन द मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज, ओके। चलो तो क्वेश्चन जो आया था उसमें ये पूछा गया था कि पर्टिकुलरली अरेंज द फॉलोइंग गैसियस फ्यूल्स इन द इंक्रीजिंग कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है ना। तो वहां पर अपने पास ऑप्शन था वाटर गैस का, इसके बाद था अपने पास ऑप्शन प्रोड्यूसर गैस का, फिर था नेचुरल गैस का, और था एलपीजी का।
तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है तो क्या आंसर आएगा, आप सीधे बोलोगे एलपीजी। एलपीजी के बाद सेकेंडरी जो आता है वो होती है नेचुरल गैस, टर्शियरी जो आता है वो होती है वाटर गैस, सबसे कम कैलोरीफिक वैल्यू होती है प्रोड्यूसर गैस की। ठीक है ना, क्लियर हो गया? तो क्वेश्चन आपसे यहां से पूछा जा सकता है। बाकी क्वेश्चन डीप में क्या पूछा जा सकता है, प्रोड्यूसर गैस से जो क्वेश्चन आया था वो डीप में आया था कि एक्चुअली में प्रोड्यूसर गैस कैसे बनती है। ठीक है ना, सिंथेसिस गैस में अभी आते हैं, वहां भी आते हैं, परेशान मत हो, सब कवर होगा यार, सब कवर होगा। अब इधर देखो, अब बात करते हैं किसकी, हाइड्रोजन प्रोडक्शन की। अब सर ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन तो अपने सिलेबस में नहीं है, हाँ नहीं है, ठीक है ना, लेकिन यहां से जो क्वेश्चन आता है ना वो दिमाग के सारे जो तार हैं, सारे जितने भी कड़े हैं ना, सारी पारियां जितनी दिमाग की है ना, वो सारी के सारे बिखेर देता है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन क्या आता है उस पर बाद में बात करेंगे, पहले देखते हैं टॉपिक। हाइड्रोजन प्रोडक्शन की जो बात की जाती है, एक्चुअली में जो हाइड्रोजन का प्रोडक्शन होता है, हाइड्रोजन की अपने को नीड कहां है, हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा जो अपने को नीड है वो है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में। ठीक है ना, तो फर्टिलाइजर इंडस्ट्री वाला हाइड्रोजन को रिफाइनरी से परचेज करके नहीं लाएगा। ठीक है ना, तो हाइड्रोजन इटसेल्फ उसे प्रोड्यूस करनी होती है फर्टिलाइजर, जहां पर भी आपका प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वहां पर अपने को अमोनिया बनानी है। तो हाइड्रोजन की प्रोडक्शन की जो बेस्ट टेक्निक्स अवेलेबल हैं, उसमें सबसे पहले जो टेक्निक आती है वो आती है आपका इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड, सेकंड आती है स्टीम रिफॉर्मिंग, थर्ड इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन, फोर्थ इज द कोल्ड गैसिफिकेशन, और फिफ्थ जो होती है वो है डिसोसिएशन ऑफ अमोनिया। क्योंकि अमोनिया की रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन है ना, तो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन से अगर अमोनिया बन रही तो अमोनिया को डिसोसिएट कर देंगे तो आपका हाइड्रोजन भी बन सकती है। इसमें से अब ध्यान से सुनो, इसमें से जो बेस्ट टेक्निक यूज की जाती है पूरा का पूरा इंडिया में बोलिए या फिर कहीं पर भी बोलिए, इंडस्ट्री के लिए जो बेस्ट टेक्निक है वो है आपका स्टीम रिफॉर्मिंग, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं आपका, जिसके थ्रू हम लोग हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं। ध्यान सुनना बिल्कुल ध्यान से, इसके थ्रू हम लोग हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करते हैं, इसके थ्रू हम लोग सिंथेसिस गैस का प्रोडक्शन करते हैं, सिंथेसिस गैस का प्रोडक्शन करते हैं, और यहीं से अपने को मिलती है क्या, यहीं से मिलती है अपने को वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, हम लोग इसका यूटिलाइज करते हैं। ठीक है ना, अब वो रिएक्शन क्या होती है, स्टीम रिफॉर्मिंग की बात की जा रही है। अच्छा, रिफॉर्मिंग हम लोग अभी पढ़ के आए, रिफॉर्मिंग का सिंपल सा मतलब क्या है कि रिफॉर्म करना, कोई भी अपने पास जो स्ट्रक्चर अवेलेबल है उसको तोड़ मरोड़ करके क्या करना है, अपने को दूसरे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। लेकिन यहां पर क्या करना है, यहां पर हम लोग जो यूज करने वाले हैं स्टीम रिफॉर्मिंग के लिए, जरा आगे बात करता हूं मैं, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले लो, अगर लेना चाहते हो तो ले लो, नहीं तो मैं आगे मूव करता हूं। किसका रेशियो पूछ रहे हो बेटा, किसका रेशियो पूछ रहे हो बेटा, सूची स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, तब तक मैं क्वेश्चन लेता हूं फिर। अभी स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस की हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना, तो अगर हमारे पास जो स्टीम रिफॉर्मिंग प्रोसेस हो रही है, रिफॉर्मिंग किसकी हेल्प से हो रही है, हम लोग जो भी पढ़ के आए थे रिफॉर्मिंग, दैट इज द कैटालिटिक रिफॉर्मिंग, वहां पर हम लोग यूज कर रहे थे कैटलिस्ट का, लेकिन अभी हम लोग यूज करने वाले किसका, स्टीम, किसकी स्टीम की हेल्प से क्या कर रहे हैं, रिफॉर्मेशन कर रहे हैं। तो रिफॉर्मिंग के लिए जो आपका जो रॉ मटेरियल है जिसकी हेल्प से अपने को क्या करना है, हाइड्रोजन का प्रोडक्शन करना है, तो उसमें क्या क्या हो सकता है, जरा इधर देखना ध्यान से, हम उसमें यूज कर सकते हैं नेफ्था का, नेफ्था क्या है, नेफ्था क्या है, लाइटर हाइड्रोकार्बन, नेफ्था को हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। आप कहीं से भी कंफ्यूज ना हो, कोशिश बस ये कर रहा हूं मैं, कहीं पर भी अगर ये लिखा हो स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था या स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है ना, या फिर आपके सामने ये लिखा हो नेचुरल गैस, स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस, या फिर लिखा हो स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ मेथेन, ये सारा का सारा जो लिखा हुआ टेक्निक जो है, जो भी आपका लिखा हुआ है, वो है हमारा किसके लिए, वो है आपका हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए हम लोग बात करते हैं। तो ये हाइड्रोजन प्रोडक्शन यहां से केवल नहीं होने वाला, यहां पर बहुत कुछ होने वाला है, उसको जरा ध्यान से देखो सभी लोग। ठीक है ना, तो अपने पास जो रूट अवेलेबल है वो हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस की बात कर रहे हैं, या फिर अगर नेफ्था की बात करते हो, इनका सबसे पहला जो स्टेप होता है, जितना भी क्वेश्चन आपका आता है सबसे पहला जो स्टेप होता है वो अपने पास जो है, ध्यान से देखना, जो सबसे पहला स्टेप है दैट इज द डीसल्फराइजेशन, डीसल्फराइजेशन सबसे पहले अपने को ये काम करना है। जो सल्फर कंपाउंड अवेलेबल है ना आपके नेचुरल गैस की बात कर रहे हो, वो भी आपका अर्थ क्रस्ट से आ रहा है। देखो पूरा का पूरा जो आपका वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में जो कोई भी आपका कंपाउंड मिलता है वो मिलता है सल्फर। आप कोई भी जो ऑयल खाते हो, जनरली जो आपका फ्रेश ऑयल आता है उसमें भी आपका सल्फर होता है। ठीक है ना, तो जितने भी अर्थ से मिलने वाले कंपाउंड है उसमें आपको सल्फर 100% मिलेगा ही मिलेगा, बस डिपेंड ये करता है कि आपका परसेंटेज कितना होगा।
तो अगर नेचुरल गैस की बात कर रहे हो तो उसमें भी सल्फर होगा, अगर आप नेफ्था की बात कर रहे हो तो ऑब्वियसली बात है जो क्रूड ऑयल आपके पास आया था उससे आपने नेफ्था में कन्वर्ट किया है, वो नेफ्था जो फ्रैक्शन है आपका उस नेफ्था में भी क्या है हाइड्रोकार्बन है और उसमें भी क्या है सल्फर अवेलेबल है, ठीक है ना। तो हमने सबसे पहले अपने काम क्या करना है, अपने को सबसे पहले काम करना है डीसल्फराइजेशन। तो डीसल्फराइजेशन के लिए हम लोग करते क्या है जरा ध्यान से देखना, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो नहीं होता है, हमें लग रहा है बेटा आप प्रोड्यूसर गैस से क्वेश्चन पूछ रहे हो, कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन का रेशियो नहीं होता, कार्बन मोनोऑक्साइड और पर्टिकुलरली जो नाइट्रोजन है उसका रेशियो हम लोग लेकर के चलते हैं, ठीक है ना। या तो आप ये पूछना चाहते हो कार्बन मोनोऑक्साइड या एयर की बात कर रहे हो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड अगर एयर की बात करते हैं तो वहां पर जो रेशियो वेरी करता है, ध्यान से सुन लो, वहां पर जो रेशियो वेरी करता है वो 2:1 से लेकर के 2:1 से लेकर के 5:1 तक वेरी करता है, ठीक है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर ज्यादा क्वांटिटी में होगा तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो फर्दर आपकी रिएक्शन हो रही थी कहां पर प्रोड्यूसर गैस में जो एयर ब्लास्ट स्टीम का हम लोग यूज कर रहे थे, वहां पर अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आपका ज्यादा मोलर रेशियो में अगर अवेलेबल है तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका क्या कर रहा है स्टीम के साथ में रिएक्ट करके CO2 का प्रोडक्शन कर रहा था। तो अपने को क्या करना है पर्टिकुलरली कार्बन मोनोऑक्साइड का जो मोलर रेशियो है ना वो एक लिमिट के अंदर ही रखना होता है, अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ज्यादा अवेलेबल होगा तो स्टीम के साथ में एक आपके लिए अनवांटेड बाय प्रोडक्ट बनाएगा जो कि CO2 के फॉर्म में निकलता है, ठीक है ना। चलो हम लोग इसकी बात कर रहे थे, हाँ तो मैं बात करने जा रहा था डिसल्फराइजेशन की बात, इसको जरा आगे देखते हैं, इसको जरा आगे देखते हैं, इसको जरा जल्दी क्लियर करते हैं नहीं तो अपने पास फिर काम हो नहीं पाएगा। तो सबसे पहला जो स्टेप मैंने बताया सिंपली क्या है कि अपने को क्या करना है कि पर्टिकुलरली जो सबसे पहले अपने पास नेचुरल गैस जो आ रही है, ध्यान से देखो सभी लोग जल्दी से, जो नेचुरल गैस आ रही है सबसे पहले करते क्या है, इस नेचुरल गैस को क्या करते हैं प्यूरीफाई करते हैं, प्यूरीफाई करने को ही हम लोग बोलते हैं डीसल्फराइजेशन, डीसल्फराइजेशन बोलते हैं, डीसल्फराइजेशन बोलते हैं। डीसल्फराइजेशन के अंदर सिंपली क्या होने वाला है कि जो सल्फर कंपाउंड है इसको रिमूव करना है, इसको रिमूव करने के लिए हम कैटलिस्ट का यूज करते हैं, दैट इज द जिंक ऑक्साइड। इस कैटलिस्ट की हेल्प से करते क्या है कि अपने पास एक प्राइमरी हीट रिकवरी सेक्शन होता है, वहां पर हम करते क्या है कि वो आपका जो एक्सेस हीट होती है पूरी प्रोसेस की उसको रिकवर करके लाए होते हैं, वहां पर क्या करते हैं सिंपली हीटिंग, हीटिंग के थ्रू क्या करते हैं वहां पर आपका जो सल्फर कंपाउंड है प्राइमरी सल्फर कंपाउंड जो है ना उसको हम क्या करते हैं रिमूव करते हैं विद द हेल्प ऑफ हीट रिकवरी सेक्शन। हीट रिकवरी सेक्शन जो होता है ना वहां से हम लोग पास करते हैं। इसका मेन रोल जानते हो क्या, इसका मेन रोल है कि आपके पास जो नेचुरल गैस आ रही है उसको प्रीहीट करना और प्रीहीट करके वहां से जो सल्फर कंपाउंड है ना उसको रिमूव कर लेना, ठीक है ना। तो कैटलिस्ट यूज करते हैं वहां पर जिंक ऑक्साइड कैटलिस्ट का यूज करते हैं जिसकी हेल्प से क्या होता है आपका जो नेचुरल गैस है ना वो क्लीन की जाती है, ठीक है ना। अब नेचुरल गैस को क्लीन करने के बाद उसको लेकर के आते हैं किसमें रिफॉर्मिंग यूनिट में। अगला क्वेश्चन यहां से आएगा, सुनते जाओ बस, केवल सुनते जाओ बेटा। रिफॉर्मिंग यूनिट में सिंपली क्या होता है, रिफॉर्मिंग के अंदर क्या होता है, ये रिफॉर्मिंग आपका एक क्लोज्ड ट्यूबुलर चैम्बर होता है। तो जनरली कभी क्वेश्चन आपसे पूछ लेता है कि विच टाइप ऑफ रिएक्टर इज यूज फॉर द स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था और नेचुरल गैस, तो वहां पर सिंपली से आपको जवाब देना दैट इज अ ट्यूबुलर रिएक्टर। ट्यूबुलर रिएक्टर में होता क्या है कि यहां पर जो ट्यूब्स होती हैं, ये ट्यूब्स जो होती हैं ना ये वर्टिकली डाउनवर्ड इस तरह से हैंग कर रही होती हैं, ऐसी हैंग कर रही होती हैं, यहां पर जो बर्नर्स लगे होते हैं, जो बर्नर्स लगे होते हैं वो बर्नर्स हमारे क्या होते हैं सीलिंग में लगाए जाते हैं, टॉप में लगाए जाते हैं। इन ट्यूब्स के अंदर क्या करता है आपका, इन ट्यूब्स के अंदर आपका ये जो नेचुरल गैस है और पस्त क्या करते हैं हम लोग स्टीम, ठीक है ना, स्टीम और नेचुरल गैस का जो मिक्सचर है उन ट्यूब्स के अंदर क्या करता है आपका सर्कुलेट करता है, फ्लो करता है। सराउंडिंग में क्या करते हैं हम लोग, जो बर्निंग होती है आपकी फायर जो होती है किसके थ्रू, आपके फर्नेस में पर्टिकुलरली बर्नर्स के थ्रू, ठीक है ना। तो वो आपका कंप्लीट होती है और यहां पर पर्टिकुलरली इन ट्यूब्स के अंदर, इन ट्यूब्स के अंदर जो कैटलिस्ट भरा जाता है वो आपका क्या होता है दैट इज द निकिल कैटलिस्ट, निकिल ऑक्साइड भी लिखा हुआ मिल सकता है। तो उस निकिल कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, बेटा प्रोड्यूसर गैस के रेशियो कंटेंट्स का CO2 का रेशियो हमेशा वही रखते हैं हम लोग 1:2 चलता है, ठीक है ना। नाइट्रोजन ज्यादा होगी कार्बन मोनोऑक्साइड कम होगी, तो निकिल कैटलिस्ट हम लोग यूज करते हैं। इन ट्यूब्स के अंदर आपका निकिल जो है ना वो फिल अप करके रखते हैं जिसके अंदर आपकी क्या होती है रिफॉर्मिंग रिएक्शन होती है। तो ये मेथेन जो है ना आप ध्यान से देखना, ये मेथेन जो है ना रिएक्शन को ध्यान से देखना, ये मेथेन क्या कर रही है आपका स्टीम के साथ में रिएक्शन जो हो रही है, ये रिएक्शन जो हो रही है इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं यहां पर सिंपली अपने को मिलने वाला है क्या CO+H2। रिएक्शन अगर बैलेंस नहीं है तो बैलेंस कर लेना भाई, अब बैलेंस हो गई, ठीक है ना।
तो हीट प्रोवाइड कर की जा रही है, रिफॉर्मिंग रिएक्शन जो हो रही है आपकी रिफॉर्मर के अंदर वो कैसी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है ना। अब यहां पर जो टेम्परेचर आपका मेंटेन होता है वो लगभग लगभग होता है 380 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। अब यहां से जो आपका मिक्सचर निकलता है हमें क्या करना होता है, उस मिक्सचर को कूल डाउन करना होता है। तो कूल डाउन करने के लिए उसको भेजते हैं कहां पर, हीट रिकवरी सेक्शन में भेजते हैं, और हीट रिकवरी में क्या करते हैं उसकी जो एक्सेस हीट है ना वो हम लोग क्या करते हैं रिकवर कर लेते हैं। उस एक्सेस हीट से क्या करते हैं अपना स्टीम का जनरेशन करते हैं, वही स्टीम हम लोग यूज करना है यहां पर, ठीक है ना। अब वो हीट रिकवरी करने के बाद जो मिक्सचर है किसका, मिक्सचर किसका है CO3H2, इसको बोलते हैं सिंथेसिस गैस। तो यहां से सिंथेसिस गैस का प्रोडक्शन भी होता है, हाइड्रोजन के फॉर्मेशन में यहां पर सिंथेसिस गैस का प्रोडक्शन भी हो रहा है, एक चीज पता चल गई, ठीक है ना। अब चलो आगे मूव करते हैं, तो यहां से सिंथेसिस गैस का प्रोडक्शन हो रहा है। अब आगे क्या होता है, हम क्या करते हैं, हम लोग चालाक लोग हैं, इंजीनियर लोग, हमने क्या किया, ये जो अपने पास निकला हुआ ना कार्बन मोनोऑक्साइड, यहां पर देखो अपने को रिक्वायर्ड किसकी है, सिंथेसिस गैस की रिक्वायर्ड है अगर तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अगर सिंथेसिस गैस रिक्वायर्ड नहीं है अपने को हाइड्रोजन चाहिए, तो हाइड्रोजन अगर चाहिए होता तो यहां पर जो हाइड्रोजन निकला हुआ है उसका भी क्या है कंसंट्रेशन कम है, ठीक है ना, वो कम क्वांटिटी में है। तो हम क्या करते हैं, अब फर्दर हम क्या करते हैं, जो अपने पास कार्बन मोनोऑक्साइड है इसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक है ना, स्टीम के साथ में फिर से ये रिएक्शन करेगा आपका आगे, और ये बनाएगा आपका CO2+H2, ठीक है ना। ये जो नीचे रिएक्शन लिखी हुई है ध्यान से देखना सभी लोग, ध्यान से देखना सभी लोग, ये जो नीचे रिएक्शन लिखी हुई है इस रिएक्शन को बोलते हैं, इस रिएक्शन को बोलते हैं वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन, ठीक है ना, वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन। वाटर गैस क्या होती है, CO+H2, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर अपनी जो रिएक्शन हो रही है ना वो क्या हो रही है कार्बन मोनोऑक्साइड और स्टीम की रिएक्शन हो रही है, तो अपने को मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ऊपर ही मिला हाइड्रोजन नीचे ही मिला, क्वांटिटी बढ़ गई हाइड्रोजन की सिंपल से एक रिएक्शन कराने के लिए। अब ये रिएक्शन कराने के लिए वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कराने के लिए अपने को नीड क्या होती है, इसके बाद हम लोग यूज करते हैं दो स्पेशल टाइप के रिएक्टर्स का। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं हाई टेम्परेचर शिफ्ट रिएक्टर, और इसके बाद लगा होता है हमारे पास लो टेम्परेचर शिफ्ट रिएक्टर, लो टेम्परेचर शिफ्ट रिएक्टर, ठीक है ना। अब देखो इस पर्टिकुलर रिएक्शन केमिस्ट्री को देखते हैं जरा फटाफट, देखो जरा सिंपली रिएक्शन हमारी क्या है, सेकंड वाली रिएक्शन जो है ना ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस रिएक्शन की कैसी है टेंडेंसी कैसी है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो हमने क्या किया था, यहां से जो प्रोडक्ट निकल रहा था उसको कूल डाउन कर लिया था, रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक है, हीट जनरेट होगी। रिवर्सिबल रिएक्शन अपने को अच्छे से पता है कि अगर हमारे पास टेम्परेचर उसका राइज कर रहा है तो वहां पर उसका रेट जो है रिएक्शन का रेट जो है ना वो क्या करेगा, वो आपका हाई होगा, मतलब कि रिएक्शन का रेट तो हाई होगा लेकिन यहां पर कन्वर्जन क्या होगा, कन्वर्जन विल बी लो, क्योंकि रिएक्शन का जो इक्विलिब्रियम है वो आपका शिफ्ट करेगा बैकवर्ड साइड में, तो यहां पर रिएक्शन जो है ना वो बैकवर्ड जाएगी ना कि फॉरवर्ड, ठीक है ना। हाई टेम्परेचर की अगर बात करेंगे तो अपने लिए जो फिजिबल टेम्परेचर है सेकंड रिएक्शन के लिए दट इज द लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर पर रिएक्शन जो है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी। तो ध्यान से देखना जरा, एक बार ध्यान से देखना, अपने को जो नीड है हम करते क्या है कि अगर एक बार अगर हाई टेम्परेचर शिफ्ट रिएक्शन, अगर हाई टेम्परेचर की बात करेंगे तो अपने पास हाइड्रोजन का जो कन्वर्जन है वो क्या होगा, कम होगा, लेकिन होगा ना, तो हमने क्या किया हाई टेम्परेचर वाले केमिस्ट्री को यूटिलाइज कर लिया। तो हमने सिंपली क्या किया, यहां पर जो टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं वो आपका होता है 320 से लेकर के 360 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। जो कटलिस हम लोग यूज करते हैं वो होता है क्रोमियम ऑक्साइड और Fe2O3 विद द हेल्प ऑफ जिंक ऑक्साइड, ठीक है ना। और जो आपका लो टेम्परेचर शिफ्ट रिएक्टर होता है इसका टेम्परेचर हम लोग मेंटेन करते हैं लगभग आपका 160 से लेकर के और 320 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास तक। इस टेम्परेचर में हमारा क्या होता है, अब लो टेम्परेचर में क्या होगा कन्वर्जन हमारे पास, क्या होगा कन्वर्जन आपका फॉरवर्ड शिफ्ट होगा, हाई टेम्परेचर पर कन्वर्जन बैकवर्ड रहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर यूटिलाइज करते हैं हम लोग इसका, यहां पर यूज करते हैं हम लोग कॉपर ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड का विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिना, विद द हेल्प ऑफ एल्यूमिना, ठीक है ना, इसको यूटिलाइज करते हैं। यहां से क्या होता है आपका कुल मिलाकर के अपने को हाइड्रोजन का जो प्रोडक्शन है ना उसको क्या करना है, हाई करना है, ठीक है, उसको क्या करना है, हाई करना है। अब यहां से जो आपका क्या होगा, पूरा का पूरा जो मिक्सचर निकलेगा, मिक्सचर के अंदर क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन, अपने को रिक्वायर्ड क्या है, अपने को रिक्वायर्ड है हाइड्रोजन, बाकी की जो गैसेस है ना उनको क्या करेंगे हम लोग निकाल देंगे। तो यहां पर हम इसके आगे यूज करते हैं किसका, यहां पर यूज करते हैं प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन का, प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन का यूज करते हैं। प्रेशर स्विंग एब्जॉर्प्शन क्या होता है कि अगर गैसेस की टेंडेंसी क्या होती है, गैस की टेंडेंसी ये होती है अगर आप किसी भी गैस में अगर हाई प्रेशर अप्लाई करते हो तो उस गैस की टेंडेंसी ये है कि कोई ना कोई आपका अगर सॉलिड सर्फेस है तो उसमें भी अब्जॉर्ब हो जाती है। तो हम लोग भी इसी चीज का यूटिलाइज करते हैं कि गैस को क्या करते हैं पर्टिकुलरली ये पूरा का पूरा मिक्सचर, इसको अगर हाई प्रेशर पे हम लोग क्या करते हैं इस चैम्बर में पास करते हैं, ट्यूब्स होती हैं, ट्यूब्स के अंदर हमारे पास क्या होते हैं एडजॉर्बेंट रखे जाते हैं, वो जनरली क्या होते हैं तो जियोलाइट होता है या तो हमारा क्या होता है आपका सिलिका जेल होता है या तो आपका कार्बन ब्लैक होता है या तो आपका क्या होता है एल्यूमिना होता है, इनका आपका क्या होता है सॉलिड्स होते हैं। तो उसमें क्या होता है जो एक्सेस जो गैस आपको सेपरेट करनी है
तो अलग अलग गैस की एब्जॉर्ब होने की अलग अलग टेंडेंसी होती है। कोई गैस आपकी इजिली एब्जॉर्ब होती है और कोई गैस होती है वो देर में एब्जॉर्ब होती है। जैसे अगर ऑक्सीजन की बात करोगे तो ऑक्सीजन को अगर प्रेशर से एब्जॉर्प्शन में अगर आप पास करोगे तो ऑक्सीजन में प्रेजेंट जो नाइट्रोजन होती है सबसे पहले एब्जॉर्ब होती है, ठीक है ना। लेकिन ऑक्सीजन प्रेजेंट जो आपकी बाकी गैसेस होती है, मतलब एयर में प्रेजेंट आपकी जो बाकी गैसेस होती है वो देर में एब्जॉर्ब होती है। एयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल गैसेस, ऑक्सीजन भी है नाइट्रोजन भी है। तो एयर को अगर इसमें पास कर दोगे सबसे पहले आपकी नाइट्रोजन एब्जॉर्ब होगी, बाकी ऑक्सीजन जो है ना वो आपकी देर में एब्जॉर्ब होगी। तो नाइट्रोजन जो पहले एब्जॉर्ब हो गई, अब हम क्या करेंगे, जो गैस आपकी एब्जॉर्ब हो गई प्रेशर क्या करते हैं रिलीज कर देते हैं, कम कर देते हैं। तो उसमें क्या होगा, जो प्रेस आपकी गैस एब्जॉर्ब हुई थी वो रिलीज हो जाती है। तो इस तरह से सेपरेशन प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। तो ये होता है प्रेशर सिंक एब्जॉर्प्शन। यहां से क्या करते हैं, जो अपने को प्योर हाइड्रोजन चाहिए होती है, प्योर हाइड्रोजन चाहिए होती है, इसकी प्योरिटी होती है 99.9% प्योरिटी का हाइड्रोजन जो होता है वो अपने को मिल जाता है। बाकी के जो आपकी गैसेस होती हैं उनको रिसाइकिल कर देते हैं, कहां से, उनको वापस रिसाइकिल कर देते हैं अपना पर्टिकुलरली रिफॉर्मिंग यूनिट में, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट प्रोसेस होती है किसके लिए, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन की बात करो या सिंथेसिस गैस की बात करो या आपसे बोले वो वाटर गैस शिफ्ट रिएक्टर की बात करें, ठीक है ना। तो क्वेश्चन एक बार जो आया था उसको जरा ध्यान सुन लो। अच्छा, गेट के एडमिट कार्ड आ गए, वेरी गुड बेटा, कॉन्ग्रेचुलेशन सबको मेरी तरफ से, बधाइयां। और तैयारी जो है ना, अब तो सब कुछ हो गया, अब तो डेट भी डिक्लेयर हो गई, ठीक है ना, मैदान भी क्लियर हो गया, किस मैदान में जाके आपको लड़ना है, ठीक है ना। तो बस अपने अपने जो हथियार है ना, सारे के सारे 12 के 12 हथियार जो 12 सब्जेक्ट है ना, इनको बिल्कुल शार्प करके रखो बेहतरीन फॉर्म में, कि अगर मारो तो सीधे एक बार में कटना चाहिए, ऐसा ना हो कि दो बार मारना पड़े। तो इतनी शार्पनेस आपकी होनी चाहिए सब्जेक्ट में, ठीक है ना। तो कॉन्सेप्ट के इतने स्ट्रांग होने चाहिए, अब वो टाइम आ गया, अब तो एडमिट कार्ड भी रिलीज हो गए, ठीक है। तो क्वेश्चन जो आया था, क्वेश्चन आपका यहां से आया था कि पर्टिकुलरली फॉर द प्रोडक्शन फॉर द वाटर गैस शिफ्ट रिएक्टर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट इज रिक्वायर्ड। तो वहां पर आपसे सीक्वेंस पूछा गया था, तो सीक्वेंस अपने को पता चल गया, सबसे पहले रिफॉर्मर लगा होता है, रिफॉर्मर के बाद में वो आपका हाई टेम्परेचर शिफ्ट रिएक्टर, फिर लो टेम्परेचर शिफ्ट रिएक्टर, फिर आपका होता है प्रेशर स्विंग एडजॉर्प्शन, ठीक है ना। क्लियर है सबको, इसमें कोई डाउट तो नहीं किसी को। आगे मूव करूं फिर मैं, आगे मूव करूं, जल्दी बताओ भाई। तो यहां से कोई अगर डाउट हो जल्दी से पूछो। फिर डाउट बाद में आता है तो मेरे को टॉपिक छोड़ के फिर आपका डाउट लेना पड़ता है, इसलिए मैं पूछ रहा हूं, डाउट अगर है जल्दी से पूछ लो। हाँ बताओ जेएस बेटा, बताओ डाउट, बताओ यस का मतलब क्या, डाउट है या डाउट नहीं है। चलो अच्छा, क्लियर है, चलो ठीक है। तो आगे मूव करते हैं फिर, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। तो सिंपली टॉपिक क्या, कंटेंट का नाम कुछ भी आ सकता है, स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था लिखा हो, स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था, पता है मैंने इसका एक क्वेश्चन एक बार बना करके दिया था बच्चे को, स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था लिख दिया, और वहां पर जानते हो क्या, स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था की बात कर रहे हैं, तो नेफ्था हाइड्रोकार्बन से क्या है, हाइड्रोजन प्रोडक्शन भी हो रहा है, और स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था से पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री की बेसिक रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था, और उससे हम लोग क्या करते हैं, बेसिक जो आपके एथाइलीन प्रोपाइलीन है इनका प्रोडक्शन भी करते हैं। यहां कंफ्यूज हो गए, अगला क्वेश्चन जो आएगा वो यहां से आएगा, एमएसक्यू में जहां घुमाया जाओगे वो यहां घुमाया जाओगे। स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था के थ्रू हाइड्रोजन भी बन रही है, आपके सामने बन रही है, और स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेफ्था के थ्रू पहला पेट्रोकेमिकल जो बेसिक बनता है आपका, वो एथाइलीन प्रोपाइलीन ब्यूटाइलीन ये बनते हैं। वहां पर भी नेफ्था की स्टीम रिफॉर्मिंग करते हैं, स्टीम की हेल्प से ही रिफॉर्मिंग करते हैं, और यहां पर भी आपका स्टीम रिफॉर्मिंग कर रहे हैं, ठीक है। चलो सॉरी, चलो आगे मूव करते हैं फिर। तो आई थिंक क्लियर हो गया होगा, डीसल्फराइजेशन कई बार पूछा जा चुका है, डीसल्फराइजेशन, ठीक है ना, उसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज करते हैं ये भी पूछा जा चुका है। डिसल्फराइजेशन सबसे पहला स्टेप होता है किसी भी प्रोसेस में, हाइड्रोजन प्रोडक्शन की बात करें अगर, सिंथेसिस की बात करें, तो पहला स्टेप होता है हमारे पास डिसल्फराइजेशन, ठीक है। चलो, तो स्टीम रिफॉर्मिंग ऑफ नेचुरल गैस के बाद अब बात करते हैं भाई, अपना जो रिफॉर्मिंग वाला पार्ट था, पेट्रोलियम रिफाइनिंग वाला पार्ट था, वो अभी फिनिश हो गया, ठीक है ना। तो इसमें से अभी तक अगर कोई डाउट हो, मैं एक या दो मिनट का टाइम बोलोगे तो दे सकता हूं, कोई भी डाउट हो, पूरी की पूरी रिफाइनरी पड़ी उसमें से कोई भी डाउट हो वो पूछ सकते हो, ठीक है ना। कहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं मैंने वो बता दिया आपसे, एफसीसी पर्टिकुलर यूनिट है जहां से क्वेश्चन आएगा, डीप में क्वेश्चन आएगा, रिफॉर्मिंग ऐसी यूनिट है जहां से क्वेश्चन कंटिन्यूअस रिपीट होता है। अगर लास्ट 10 साल का टेन्योर देखोगे ना, 10 साल में 4 बार क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हो चुका है, केवल किससे, रिफॉर्मिंग से, और हमेशा यही क्वेश्चन पूछा जाता है, द रोल ऑफ रिफॉर्मिंग यूनिट, या फिर ये पूछेगा द नेफ्थीन्स एंड पैराफीन्स आर कन्वर्टेड टू एरोमेटिक इन द फॉलोइंग यूनिट्स। तो क्वेश्चन वही होगा पर लैंग्वेज चेंज होगी, ठीक है ना।
तो लिक्विड फ्यूल्स और गैसियस फ्यूल्स, ठीक है ना, उनसे रिलेटेड प्रॉपर्टीज, यहां से अपने पास क्वेश्चन आता है। तो गैसियस फ्यूल में जो क्वेश्चन आपसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है अगर बाय चांस, तो वो आएगा प्रोड्यूसर गैस से, या फिर आपका आ सकता है कहां से, ये स्टीम रिफॉर्मिंग वाला पार्ट जो मैंने बताया लास्ट में, यहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। सर डिस्टिलेशन रिफाइनरी मतलब जल्दी से बताओ मेरे को, मतलब क्या है इसका? बेटा टेम्परेचर और प्रोडक्ट कल मैंने बताया तो थे, कल टेम्परेचर और प्रोडक्ट मैंने बताए थे, कल आप चले गए थे क्या लास्ट में? टेम्परेचर रेंज ही बताई थी मैंने, प्रोडक्ट भी बताए थे कल, लास्ट मैंने बताया था, इससे क्वेश्चन भी आया हुआ है, ठीक है ना। एक क्विक ओवरव्यू दिया था लास्ट में मैंने, जिसमें यहां पर बोला था कि पर्टिकुलरली रिफाइनिंग की बॉइलिंग रेंज के बेसिस पे सबसे पहले आपका क्या निकलता है, उसका टेम्परेचर रेंज। टेम्परेचर रेंज कभी आपसे नहीं पूछेगा, आपके माइंड में बस ये सेटअप होना चाहिए कि रिफाइनरी में सबसे टॉप में इंटरमीडिएट और बॉटम में क्या निकलता है, इनकी बॉइलिंग रेंज एक्चुअली में कितनी होती है, ठीक है ना, इनकी बॉइलिंग रेंज एक्चुअली में कितनी होती है। तो मैंने शायद अभी आपको शेयर नहीं किया वो, ये डायग्राम देखो कल मैंने बताया था, ये डायग्राम था हमारा कंप्लीट, ये कुछ डिस्टर्ब हो रहा है, नीचे से कट रहा है थोड़ा सा, कट गया नीचे से थोड़ा सा, ठीक है ना। हाँ मैं आगे बढ़ रहा हूँ जयेश, ठीक है ना, सबकी क्वेरीज लेना नेसेसरी है। कल मैंने ये लिया था, देखो यहाँ पर टेम्परेचर रेंज भी लिखी है, सभी जगह टेम्परेचर रेंज भी लिखी हुई है, सारे प्रोडक्ट्स के नाम भी लिखे हुए हैं। मैंने कल ये बताया था सबसे टॉप में गैस निकलती है, फिर आपका गैसोलीन आता है, फिर आपका केरोसिन आता है, फिर डीजल आता है, फिर आपके हैवी ऑयल्स आते हैं, उसमें से लुब्रिकेटिंग ऑयल भी आता है, ठीक है ना। चलो तो आगे बात करते हैं, तो गैसियस फ्यूल वाला पार्ट आज कंप्लीट हुआ, अब बात करते हैं जरा नेचुरल प्रोडक्ट्स के बारे में। तो इसमें सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट आता है, जहां से क्वेश्चन मैक्सिमम राइज होते हैं नेचुरल गैस नेचुरल प्रोडक्ट्स में, वो पार्ट आता है सबसे पहले आपका क्या, वो आता है पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री का, ठीक है ना। तो अगर पल्प एंड पेपर इंडस्ट्री की हम लोग बात करते हैं, तो वहां पर सबसे पहले बात आती है पल्प जनरेशन की, पल्प प्रोडक्शन की, कि पल्प का प्रोडक्शन कैसे होगा। तो पल्प प्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं, तो पल्प इज बेसिकली अ फाइबरस कंपाउंड विच इज डिसइंटीग्रेटेड टू लूज द फाइबर्स और सेलुलोज, ठीक है ना। तो पल्प के लिए जो बेसिक अपने को नीड है, जो हम लोग पल्प की बात कर रहे हैं, पल्प एक्चुअली में क्या है, जितना भी आपका वुड है, ठीक है ना, उस वुड में आपका जो फाइबर कंपाउंड अवेलेबल है, जिसको हम लोग बोलते हैं सेलुलोज, हर वुड में आपका सेलुलोज कंपाउंड अवेलेबल है, बस किसी में क्या है सेलुलोज कंपाउंड ज्यादा है, किसी में सेलुलोज कंपाउंड कम है, ठीक है ना। तो जनरली जो मोस्ट फाइबरस वुड है उसको हम लोग कंसिडर करके चलते हैं, वो है आपका बंबू, ठीक है ना, या फिर हम लोग कंसिडर करके चलते हैं बैगास। बैगास क्या है, जितना भी हमारे पास कोई भी सुगर इंडस्ट्री होती है, सुगर इंडस्ट्री में जो आपका गन्ना आता है, ठीक है ना, जो सुगर केन आता है, सुगर केन से जो आपका आपका वेस्ट निकलता है, जूस को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो वेस्ट निकलता है उसको बैगास बोलते हैं। तो वो बैगास भी हमारा क्या है, वो आपका अच्छा खासा परसेंटेज उसमें कैरी करता है सेलुलोज का, और उसको भी हम लोग यूज करते हैं एज ए रॉ मटेरियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पल्प, ठीक है ना। तो पल्प इज अ सिंपली फाइबरस कंपाउंड विच इज एक्सट्रैक्टेड और लूज्ड बाय द डिफरेंट वुड्स और सेलुलोज चैनल्स, ठीक है ना। तो ये तो बात हो गई पल्प की, पल्प से वर्ड बना हुआ है पल्पिंग। पल्पिंग क्या होती है, द डिसइंटीग्रेशन ऑफ फाइबरस और सेलुलोज कंपाउंड फ्रॉम देयर ओरिजिनल स्ट्रक्चर, दैट इज नोन एज पल्पिंग, ठीक है ना। तो हम लोग बात करने वाले हैं कि अपने को बात करना है पल्प की, कि पल्प का प्रोडक्शन कैसे होता है, उसकी हम लोग बात करने वाले हैं अभी। तो चलो जरा बात करते हैं, तो पल्प के प्रोडक्शन की जो पूरे वर्ल्ड में दो प्रोसेस यूज की जाती है, इसको जरा ध्यान सुनना, यहां से काफी लोग के डाउट्स आते हैं, मेरे से बहुत डाउट पूछते रहते हैं बच्चे। तो यहां से जो क्वेश्चन आपका राइज होता है कि सबसे पहले जो आपके दो प्रोसेस यूज होते हैं पूरे वर्ल्ड में, वो है आपका सल्फेट क्राफ्ट प्रोसेस, और सेकंड होता है सल्फाइट पल्पिंग प्रोसेस, सल्फाइट प्रोसेस, सल्फेट एंड सल्फाइट प्रोसेस। सल्फेट को सल्फेट क्यों बोलते हैं और सल्फाइट को सल्फाइट क्यों बोलते हैं, उसके पीछे का रीजन भी बताऊंगा अभी मैं, ठीक है ना। इसको रफ करते हैं जरा, ये दो प्रोसेस जो है, इन दोनों में से जो सबसे पॉपुलर प्रोसेस है जिसको हम लोग बोलते हैं, वो है आपका सल्फेट प्रोसेस या फिर क्राफ्ट प्रोसेस, ठीक है ना। पहले जरा इसके बारे में पढ़ते हैं, सल्फेट प्रोसेस के बारे में, फिर आएंगे हम लोग सल्फाइट प्रोसेस के बारे में, ठीक है। चलो अगर सल्फेट प्रोसेस की बात की जाती है, ध्यान से देखना जरा, अगर सल्फेट प्रोसेस की बात की जाती है, तो एक्चुअली में जितना भी आपका वुड है, वुड में जो आपका सेलुलोज कंपाउंड है, जो सेलुलोज स्ट्रक्चर है, सेलुलोज इज अ पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, पॉलीमर कंपाउंड विच इज नेचुरल ऑकर इन द वुड,
नेचुरली आपका अवेलेबल होता है किसी भी वुड में, तो उस सेलुलोज को ही हमें क्या करना है, उसको ही हमें क्या करना है फाइब्रस कंपाउंड के फॉर्म में उसको क्या करना है लूज करके और उसको निकालना है, ठीक है ना। ध्यान से देखना जरा, सबसे पहले करते क्या है कि पर्टिकुलरली जो भी आपका पल्पिंग है, पल्पिंग ऑपरेशन जो है अपने करना क्या होता है कि जितना भी आपके पास वुड है उस वुड को क्या करना होता है उसको छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करना होता है। तो सबसे पहले जो यूनिट अपने पास लगी होती है उसको हम लोग बोलते हैं चिपर बिन। यहाँ पे पार्ट क्या होता है कि जितना भी आपका वुड है उस वुड को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में कन्वर्ट करते हैं, कट करते हैं, ठीक है ना। रोटेटिंग डिस्क होती है जिसमें कि ब्लेड लगे होते हैं, उस ब्लेड के थ्रू क्या करते हैं जो वुड है उसको छोटे छोटे चिप्स में कन्वर्ट करते हैं और उनका साइज जो होता है वो होता है आपका 2 to 5 centimeter के आसपास, ठीक है ना। 2 to 5 centimeter के साइज का आपके क्या होते हैं चिप्स होते हैं, उसमें हम उनको क्या करते हैं कट करते हैं। कट करने के बाद सिंपली करते क्या है, उनको प्री हीट करना होता है। देखो कोई भी चीज अगर है उसको अगर आप प्री हीट कर देते हो, जैसे कि अगर आप छोला बनाते हो, ठीक है ना, तो छोला बनाते हो, छोला बनाने का मतलब ये नहीं उसको प्री हीट करने का। प्री हीट करने का मतलब क्या होता है, आप छोले को पहले क्यों उबालते हो भाई, छोले को आपने रात में भिगो दिया और सुबह उठा करके सीधे सब्जी बना लो ना, रीजन क्या है। तो रीजन ये होता है कि जो छोले में अवेलेबल उसका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, देखो जब हम लोग बॉइल कर देते हैं तो बॉइल करने में क्या होता है वो क्या होता है लूज हो जाता है, वो सॉफ्ट हो जाता है, होता है ना। बस यही सेम कॉन्सेप्ट अपने पास भी होता है कि सिंपली किसी भी चीज को अगर हम लोग इंडस्ट्री में प्रीहीट करते हैं तो प्रीहीट करने का मेन रीजन यही हो जाता है कि उसकी एक्टिविटी जो होती है वो बढ़ जाती है, कुल मिलाकर के ये काम होता है, ठीक है ना। तो यहां पर भी सेम चीज होने वाली, हम करते क्या है कि यहां से जो चिप्स आते हैं चिप्स को स्टीम की हेल्प से क्या करते हैं प्रीहीट किया जाता है। ये स्टीम कहां से आती है अभी बताऊंगा, ठीक है ना। पल्प इंडस्ट्री में कोई भी चीज जो है ना वो परचेज नहीं की जाती है, ठीक है ना। परचेज में केवल आपका जो बेसिक रॉ मटेरियल है जो बैगास या बंबू है वो परचेज होकर के आता है, बाकी वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी या फिर कोई भी चीज़ जो है ना वो बार बार रिसाइकिल करते हैं। पल्प इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर वाटर सबसे ज़्यादा कंज्यूम होता है, वाटर पॉल्यूशन सबसे ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर हमेशा ना पॉल्यूशन कंट्रोल वालों की हमेशा नज़र रहती है, कब मौका मिले कब हाथ मारें, ठीक है ना। तो स्टीम केल से क्या करते हैं उसको प्रीहीट करते हैं, प्रीहीट करने के बाद करते क्या है उसको लेकर के आते हैं पूरी पूरी आपकी पल्पिंग इंडस्ट्री का जो मेन पार्ट है वो है आपका क्या डाइजेस्टर। इसको ध्यान समझना जरा, उसको ध्यान समझना। इस डाइजेस्टर की जनरली जो हम लोग की हाइट होती है वो होती है 25 से लेकर के 30 मीटर के आसपास इसकी हाइट रखी जाती है, जैसे कि अपना कॉलम होता है डिस्लेशन कॉलम बस उस तरह की इसके डिजाइन होती है, लेकिन वहां पर क्या होती है कोई ट्रेज नहीं होती है, अपने को ट्रे को नीड नहीं होती है। सिंपली क्या होता है 25-30 मीटर टॉल आपका एक वेसल होता है जिसमें हम लोग करते क्या है साइड से हम लोग क्या करते हैं इसमें जो आपका प्रीहीटेड चिप्स हैं, इनको पास करते हैं, ठीक है ना। अब प्रीहीटेड चिप्स जो है इनको पास करते हैं, प्लस इसमें क्या होता है अपने को नीड क्या होती है इसका जो देखो ऑपरेटिंग बिहेवियर जो है जो मेरे से पढ़ चुके हैं उनको आपको सब कुछ पता है। इसका जो ऑपरेटिंग बिहेवियर है सिंपली इसकी जो वर्किंग होती है किस तरह की होती जानते हो, इसकी वर्किंग जो होती है वो होती है प्रेशर कुकर की तरह, अब फिर एक क्वेश्चन पूछूंगा जो हमेशा पूछता हूं, प्रेशर कुकर में टेम्परेचर कहां हाई होता है कहां लो होता है जल्दी बताओ मेरे को जरा, कहां टेम्परेचर हाई होता है कहां लो होता है जल्दी बताओ जल्दी। लोग देख रहे हैं अभी, हाँ सबको पता चल चुका है, अब सबको पता चल चुका है, ठीक है ना। जब पहली बार मैंने क्वेश्चन पूछा था तो मैक्सिमम का आंसर ये आया था कि बॉटम में होता है, अब सबको पता है कि टॉप में ज्यादा होता है। उसके पीछे का रीजन क्या है कि टॉप सेक्शन में आपकी स्टीम जो होती है ना वो स्टोर होती है, स्टीम की लेटेंट हीट जो होती है वो सबसे ज्यादा हाई होती है, इसलिए प्रेशर कुकर में जो टेम्परेचर होता है वो टॉप में ज्यादा होता है। सेम कॉन्सेप्ट यहां पर भी होता है। प्रेशर कुकर अंदर काम क्या होता है कि वो आपका कोई भी जो आप फूड डालते हो, दाल डालते हो या फिर राइस डालते हो, उसको क्या करता है डाइजेस्ट करने का काम करता है। डाइजेस्ट का मतलब ये नहीं कि पूरा का पूरा घुला देता है वो, डाइजेस्ट का मतलब ये होता है कि जितना भी फाइबर आपके क्या होते हैं उसमें भी जो आपके फाइब्रस कंपाउंड है दाल या फिर राइस में जो फाइब्रस कंपाउंड उनको लूज कर देता है। तो अपने को भी यही काम करना है कि हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो प्रेशर कुकर की तरह बिहेव करने वाला आपके जो टावर है जिसको डाइजेस्टर बोलते हैं इसका टॉप का टेम्परेचर 180 के आसपास होता है और बॉटम का टेम्परेचर जो होता है वो 65 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है। ये 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अपने आप होता है, इसको मेंटेन करना पड़ता है। मेंटेन करने के लिए क्या करते हैं सुनो ध्यान से, अब यहां पर क्या करेंगे चिप्स हमने ऐड कर दिए, अब अपने को क्या करना है भाई उसको पकाने के लिए, दाल को पकाने के लिए अगर नमक नहीं डालोगे दाल कैसे पकती है, अगर नमक डालोगे तो कैसी दाल पकती है। तो ऑब्वियसली बात है कि नमक का कुछ ना कुछ रोल तो होता है, नमक का काम केवल टेस्ट का नहीं होता, उसका और ना कुछ रोल होता है, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात क्या है, अपने को चाहिए क्या है कोकिंग लिकर, चाहिए जिसकी हेल्प से क्या होगा आपका जो डाइजेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो कोकिंग लिकर में अपने पास जो केमिकल्स होते हैं कौन से होते हैं जरा उसको ध्यान से देखो, केमिकल्स कौन से होते हैं उनको जरा ध्यान से देखो,
सबसे पहले जो आपका होता है वो होता है NaOH, विजिबल है कि नहीं है भाई ये बता देना, मेरे को खुद नहीं लग रहा विजिबल होगा ये, ऑटो कलर चेंज करते हैं फिर, वाइट से ही लिखते हैं। NaOH होता है सबसे पहले, फिर आपका होता है सोडियम सल्फाइट, फिर आपका होता है Na2SO4, Na2SO3, ठीक है ना, और आपका एक और होता है NO2, ठीक है। तो ये कंप्लीट कॉम्बिनेशन होता है सर, इतने के नाम हमें नहीं पता है, हमने जो पढ़े हैं वो केवल ये पढ़े हैं, इन दो के नाम पढ़े हैं, ठीक है ना, एल्केली NaOH और दूसरा पढ़ा है सोडियम सल्फाइड, बस ये दो पढ़े हैं। इसमें से आप देख लो, इधर देख लो, अगर नहीं पता कोई दिक्कत नहीं, इधर देख लो, जो NaOH होता है इसका परसेंटेज जो होता है वो 54 के अराउंड होता है, इसका 23 के अराउंड होता है, जो बचे हुए लिखे हैं ना, ये जो बचे हुए लिखे हैं ये 13% के अराउंड होते हैं, ठीक है ना। इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, जो मेजर होते हैं, हम लोग क्या हमेशा मेजर मेजर की बात करते हैं, जो एक्चुअल में अगर केमिस्ट्री में जाओ ना, ये सब आपको जानने के लिए बहुत कुछ सर्च करना पड़ता है, डिफरेंट रिसर्च पेपर सर्च करने पड़ते हैं, तब ये डाटा निकल करके आता है कि एक्चुअली में हाँ ये भी यूज होता है, ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी अगर लेटेस्ट में कोई पल्पिंग प्रोसेस पढ़ोगे ना, तो वहां पर डाइजेस्टर के अंदर हो सकता है कोई एक आधा केमिकल और जुड़ा हुआ मिलेगा आपको, तो उसने यूज किया है, वो सक्सेसफुल हुआ है, तब उसका पेपर जो है पब्लिश हुआ है, उसकी रिजल्ट जो है ना पॉजिटिव आए हैं, सक्सेसफुल रिजल्ट हैं, तो अगर रिजल्ट सक्सेसफुल हैं तो हम स्टडी कर सकते हैं, उसको कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो वो आपका डाटा जो यहां पर लिखा हुआ है सब, वो आपका वहां से निकल करके आता है। चलो, तो 54% और 23% और 13%, ये आपका लगभग लगभग रेशियो होता है। कुकिंग लिकर क्या करता है, आप जरा ध्यान से देखो, जनरली होता क्या है कि जो भी आपका फाइबर है, जो फाइबर जो सेलुलोज है, जितना भी आपका वुड होता है ना, जितना भी वुड होता है, जो वुड का स्ट्रक्चर होता है, इस वुड का जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, वो किस तरह का होता है, जो सेलुलोज है दैट इज द लॉन्ग हैवी स्ट्रक्चर, क्योंकि पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है, तो जो सेलुलोज की चेन्स है, ध्यान से देखना जरा एक बार, जो सेलुलोज की चेन्स है ये क्या है, ये आपस में किसी ना किसी एक ग्लू के थ्रू जुड़ी होती है, बाइंडिंग मटेरियल होता है जिनके थ्रू आपस में चेन जो है ना अटैच होती है। हम क्या करते हैं, हमारा मेन रोल कोकिंग का क्या है, कि हमें क्या करना है, ये जो फाइब्रस कंपाउंड, जो सेलुलोज की चेन्स हैं, इन्हें क्या करना है अलग अलग कर देना है, ठीक है ना। तो वो जो आपका बाइंडिंग मटेरियल है, जो ग्लू है जिसके थ्रू ये चेन्स जुड़ी हुई हैं, उसको बोलते हैं लेगनिन, ध्यान से सुनते जाओ, उसको बोलते हैं लेगनिन। उस लेगनिन को हमें क्या करना होता है, रिमूव करना होता है, उसको अलग करना होता है, सेपरेट करना होता है। जब वो सेपरेट हो जाता है तो ये जो चेन्स है ना आपकी, ये आपस में क्या हो जाएंगी, लूज हो जाएंगी, दूर दूर हो जाएंगी, आपका फाइब्रस कंपाउंड जो है ना वो लूज हो जाएगा, ठीक है ना। तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा, यूजफुल हो जाएगा। तो हमने क्या किया, लेगनिन को रिमूव किया। लेगनिन को रिमूव करने का काम किसकी हेल्प से होता है, वो होता है ये जो हम लोगों ने कोकिंग लिकर डाले हैं, इनको हम लोग व्हाइट लिकर भी बोलते हैं, ठीक है ना। व्हाइट का कॉन्सेप्ट क्या, अभी उसको बताता हूं। तो वो हमारा क्या करता है पर्टिकुलरली, कि आपका लेगनिन को उसने रिमूव कर दिया, और आपका जो टेम्परेचर मेंटेन हुआ, ये प्रोसेस जो होती है, ये होती है 1 से लेकर 1.5 घंटे की प्रोसेस होती है, जिसके बीच में आपका क्या होता है, ये प्रोसेस जो कंप्लीट होती है। अब होता क्या है, पूरा का पूरा जो फाइबर कंपाउंड है वो लूज हो गया, सेलुलोज लूज हो गया, लेकिन अब जैसे ही वो फाइबर लूज होता है ना, उसकी स्ट्रेंथ जो है ना वो वीक होने लगती है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है। तो हम तुरंत क्या करते हैं, इसमें नीचे से क्या करते हैं, इस टावर में नीचे से क्या करते हैं, ब्लैक क्लिकर जो है ना वो सर्कुलेट कर देते हैं। ब्लैक क्लिकर ये क्या होता है, जरा इसको देखते हैं, अभी बताता हूं मैं ब्लैक क्लिकर क्या होता है। ये ब्लैक लिकर क्या है, हमारा जो कोकिंग लिकर है ना, ये हमारा यूज हो चुका जो वेस्ट लिकर होता है, जो वेस्ट केमिकल्स होते हैं उनको बोलते हैं ब्लैक लिकर। तो उसको हम क्या करते रहते हैं, इस टावर में नीचे से सर्कुलेट कर देते हैं। वो क्या करता है, इस टावर का नीचे के सेक्शन का टेम्परेचर जो है ना वो 65 डिग्री मेंटेन करता है, तो जिससे हमारे पास जो फाइब्रस कंपाउंड है वो वीक नहीं होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ जो है बरकरार रहती है। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वो वीक हो जाएंगे। अब यहां से जो फाइब्रस कंपाउंड है ना, उनको लेकर के जाते हैं, उनको स्क्रीन करते हैं। स्क्रीन करने में क्या होता है, अगर उसमें नॉट्स अवेलेबल है, वुड नॉट्स, ठीक है ना, अगर गांठ बनी हुई है तो उनको क्या करेंगे, उनको सेपरेट कर लेंगे हम लोग वुड नॉट्स को। उसके बाद क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने पे क्या होता है, जो पल्प है वो अलग हो जाता है, और वहां से जो वेस्ट लिक्विड है, जो कोकिंग लिकर हमने डाला था ना, ये क्या हो गया, यूज हो गया, ठीक है ना। यूज होने के बाद क्या हुआ, ये आपका एक तरह से इसका जो कलर है वो चेंज हो जाता है, और ये कैसा हो जाता है, अब अपने लिए वेस्ट हो जाता है। तो हम क्या करते हैं, उसको दोबारा से यूटिलाइज करते हैं, तो उसको भेजते हैं, वहां से जो आपका निकलता है उसको बोलते हैं ब्लैक लिकर। उस ब्लैक लिकर को भेजते हैं ब्लैक लिकर रिकवरी सेक्शन में, ठीक है ना। तो वही ब्लैक लिकर का कुछ पार्ट हम क्या करते हैं, इस सेक्शन के, इस टावर के बॉटम में सर्कुलेट कर देते हैं। तो यहां से अपने को जो पल्प है ना वो निकल करके आ जाता है, ठीक है ना। ये तो थी किसकी, पल्पिंग की प्रोसेस। इसमें कोई डाउट है तो पूछो जरा,
इसमें अगर कोई डाउट है तो पूछो, फिर मैं आगे बात करता हूं पल्पिंग के बाद। कोई डाउट है इसमें? लेग्निन क्या होता है? अब देखो यहां रिएक्शन क्या होती है, जरा रिएक्शन देख लो सिंपली। होती क्या है कि यहां पर आपके पास जो सेलुलोज की, जो सेलुलोज की बात करता हूं ना, ये आपका सेलुलोज की कोई चैन है, ठीक है ना। ध्यान से देखना जरा, ये सेलुलोज की कोई चैन है, ठीक है। इसके बाद पर्टिकुलरली अगर सेलुलोज की चैन है उसको हम लोग क्या करेंगे, अभी अपने पास क्या है, हमने क्या किया, लेग्निन जो है ना वो रिमूव किया है, सिंपली लेग्निन रिमूव किया है। कोई डाउट नहीं है ना? चलो ब्लैक लिकर कौन सा डालते हैं सर? बेटा ब्लैक लिकर जो आपका फिल्ट्रेशन के बाद निकल करके आता है ना, वो वाला हम लोग ब्लैक लिकर इसमें जो है वो ऐड करते हैं। जो ब्लैक लिकर हम लोग ऐड करते हैं वो कौन सा ऐड करते हैं कि यहां से फिल्ट्रेशन के बाद जो निकल करके आ रहा था ना आपका, वो वाला हम लोग ऐड करते हैं। आगे बढ़ा जाए, ब्लैक लिकर यहां से मैंने क्या बताया, अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा समझ सकते हो कि पर्टिकुलरली आपका फिल्टर, फिल्टर करने के पहले मैंने क्या बोला, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग करने में क्या होता है कि आपके जो वुड नॉट्स होते हैं वो हमारे अलग हो जाते हैं, इसका फिल्टर करते हैं। फिल्टर करने पे जो आपका पल्प होता है वो अलग सेपरेट हो जाता है, और जो आपका वेस्ट बचता है वो लिकर जो होता है ना, उसका कुछ सेक्शन, उसका कुछ पार्ट एक बाईपास स्ट्रीम के थ्रू हम क्या करते हैं, वापस से इस चैम्बर के नीचे वाले में, हाँ नीचे वाले में क्या करते हैं, सर्कुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बात होती किसकी, ये तो बात हो गई किसकी अपनी, कि अब पर्टिकुलर जाते हैं किसमें, ब्लैक लिकर रिकवरी सेक्शन में, ठीक है ना। तो वहां से अपने क्या करना है, सॉरी सर, अपने करना क्या है कि पर्टिकुलरली जो लिकर है उसको क्या करना है, यूटिलाइज करना है। अब आगे बढ़ते हैं जरा, अब बात करते हैं ब्लैक लिकर रिकवरी की। ध्यान से देखना सभी लोग, बेटा अगर आप ब्लैक लिकर ऐड नहीं करोगे तो जो पल्प आपने लूज किया है ना, जो पल्प आपने जनरेट किया है, जो फाइबरस कंपाउंड आपने जनरेट किया है ना, वो क्या होगा, वो डैमेज हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर बहुत हाई है पूरे टावर का, ठीक है ना। पूरे टावर का जो टेम्परेचर है बहुत हाई है, इसलिए अपने को ब्लैक लिकर ऐड करना पड़ता है ताकि वो टेम्परेचर जो है ना उसको कूल डाउन करे, ठीक है ना। अगर आप पानी मिला दोगे उस पल्प में, अगर पानी मिला दोगे, बहुत से लोग ये बोलेंगे सर पानी मिला देंगे, अगर नीचे से वाटर सप्लाई कर दें तब भी तो कूल हो जाएगा, तो उस चैम्बर के अंदर अगर आप पानी मिला दोगे तो ऑब्वियसली बात है, देखो आपके दिमाग में ये आइडिया आया जैसे कि आप पानी मिला दो, वैसे ही क्या हो गया, वाटर कंजप्शन बढ़ गया, एक कॉस्ट बढ़ गई, ऊपर से क्या हो गया, वो जो वाटर है ना, वो वाटर क्या करेगा, जो ब्लैक लिकर है उसमें वाटर का परसेंटेज बढ़ गया, तो ऑलरेडी जो ब्लैक लिकर निकलता है उसमें जो सॉलिड कंसंट्रेशन होता है, सुनते जाना, उसमें सॉलिड कंसंट्रेशन जो होता है 15-16% होता है, तो ऑलरेडी वो उसमें उस पूरे के पूरे सॉल्यूशन में सॉलिड कंटेंट कम है, आपने ऊपर से पानी मिला दिया तो अपने लिए क्या हो जाएगा, फिर जब हम लोग ब्लैक लिकर रिकवरी की तरफ जाएंगे ना, तो वहां पर अपने लिए ब्लैक लिकर रिकवरी को सेपरेट करना, रिकवर करना व्हाइट लिकर को, फिर और टफ टास्क हो जाएगा, फिर और कॉस्ट आएगी, ठीक है। नहीं पानी की नीड नहीं, परेशान मत हो। अब आते हैं ब्लैक लिकर रिकवरी में भाई, ठीक है। तो अपने पास जो सेलुलोज कंपाउंड था, ध्यान से देखना जरा, मैं रिएक्शन पीछे लिख रहा था, जो सेलुलोज कंपाउंड था, ठीक है ना, इसको हमें क्या करना है, हम सबसे पहले करते क्या है, पहले ये समझो, रिएक्शन में बाद में लिखूंगा, सबसे पहले करते क्या है, जो ब्लैक लिकर अपने पास निकल करके आया है उस पर्टिकुलरली पल्पिंग प्रोसेस से, उसमें जो वैल्यूएबल कंपाउंड को सेपरेट आउट करना है, तो उसके लिए करना क्या है कि पर्टिकुलरली उसमें जो सॉलिड कंटेंट है, ये ब्लैक लिकर में जो सॉलिड कंटेंट है, यही हमारे लिए क्या वैल्यूएबल कंपाउंड है, हमें इनको निकालना है, ठीक है ना। बाकी का हमारा क्या है, बाकी का उसमें पानी है आपका, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इनकी कंसंट्रेशन पहले बढ़ानी है। तो सिंपल सी बात है कि अगर अपने को कहीं पर भी सॉलिड कंसंट्रेशन बढ़ानी है किसी सॉल्यूशन में, तो हम क्या करते हैं, इवेपोरेशन करते हैं। तो पहला स्टेप क्या होता है, सबसे पहले हमें क्या करना है, इवेपोरेशन करना है। तो इवेपोरेशन करने से क्या हो जाएगा कि आपका पर्टिकुलरली ये जो कंसंट्रेशन है ये कितना राइज हो जाएगा, ये हो जाएगा
50 से 60% तक आपके सॉलिड पहुंच जाएंगे, बाकी का आपका जो वाटर है वो ऑपरेट हो जाएगा। अब ऑपरेटेशन होने के बाद हम लोग क्या करते हैं, सेकेंडरी, ध्यान से देखना जरा, सेकेंडरी क्या करते हैं, मिक्सिंग करते हैं। मिक्सिंग में क्या करेंगे, मिक्सिंग में क्या करेंगे, देखते जाओ बस, मिक्सिंग में क्या करते हैं, अपने पास जो रिक्वायर्ड केमिकल है वो है Na2SO4 सोडियम सल्फेट। ये जो अपना रिक्वायर्ड केमिकल है जो कि ब्लैक लिकर रिकवरी सेक्शन में यूज होता है फॉर द रिकवरी ऑफ यूज्ड केमिकल्स, ठीक है ना, इसकी वजह से इस प्रोसेस का नाम पड़ा हुआ है सल्फेट प्रोसेस, इस केमिकल की वजह से, क्योंकि हम लोग ब्लैक लिकर रिकवरी सेक्शन में इस केमिकल का यूज करते हैं, सोडियम सल्फेट की वजह से इस प्रोसेस का नाम है सल्फेट प्रोसेस, ठीक है ना। अब ये क्या करेगा, सबसे पहले देखो करते क्या है, इसको क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, ठीक है ना, उन सॉलिड्स के साथ में इनको मिक्स कर देंगे, और मिक्स करने के बाद पूरा का पूरा जो आपका पेस्ट है उसको पहुंचाते हैं कहां, बॉयलर्स में। तो बॉयलर में क्या होता है, बॉयलर में क्या करेंगे हम लोग, पहली चीज तो स्टीम जनरेशन करेंगे, दूसरा क्या होगा, ये जो आपके सॉलिड्स हैं वहां पर क्या होंगे, बर्न होंगे, बर्न होने से क्या होगा, बर्न होने से क्या होगा, वहां पर कार्बन जनरेशन होगा। अब ध्यान से देखना आगे जरा, अब आगे जरा ध्यान से देखना, हमने सोडियम सल्फेट मिलाया है ना, मैं रिएक्शन लिखता हूं एक जरा यहां पर, अगली रिएक्शन क्या होगी, ये रिएक्शन बाद में होती, पहली जो होती है उसको ध्यान से देखो जरा, हमने सोडियम सल्फेट मिलाया है ना, प्लस क्या है, कार्बन है, कार्बन कहां से आया, ये कार्बन जो लेग्निन आपका लूज हुआ था ना, जो लेग्निन, ठीक है ना, उस लेग्निन से आपका कार्बन निकल करके आया, और यहां से क्या मिला, Na2S प्लस का CaCO3, अगर बैलेंस ना हो, अच्छा सी ए नहीं आएगा यार, गलत लिख दिया मैंने, एक मिनट रुकना जरा, CO2 आएगा, ठीक है ना, बैलेंस कर लेना रिएक्शन, अगर बैलेंस ना हो तो। ये रिएक्शन पहली रिएक्शन निकल करके आई, तो यहां से अपना जो पहला केमिकल था वो अपना क्या हो गया, कवर हो गया, वो रिकवर हो गया, सोडियम सल्फाइड। अब देखो आगे क्या करते हैं, ये कहां पे हुआ, पर्टिकुलरली हम लोगों ने जब क्या किया, इसका बर्निंग जो स्टार्ट कर दिया, सोडियम सल्फेट मिलाने के बाद जब बर्निंग करते हैं, बर्निंग करने के बाद क्या करते हैं, उसको देखना जरा ध्यान से, बर्निंग करने के बाद क्या करते हैं, पर्टिकुलरली बॉयलर से निकलने के बाद, हम क्या करते हैं, उसको वाटर टैंक में क्या करते हैं, कूल डाउन करते हैं तुरंत, क्योंकि बहुत ज्यादा आपका टेम्परेचर हाई होता है बॉयलर में, तो वाटर टैंक में जाकर के उसको क्या करते हैं, वाटर के साथ में डिजोल्व कर देते हैं, तो वहां से तुरंत क्या होता है, वहां से अपने को एक ग्रीन लिकर मिल जाता है, इसको बोलते हैं ग्रीन लिकर, ध्यान से देखो जरा एक बार, इसको बोलते हैं ग्रीन लिकर। ये रिएक्शन जो लिखी ना, फर्स्ट रिएक्शन इसके बाद आती है, लेकिन पहले लिखी जाती है, ठीक है, तो ये मिलता है अपने को ग्रीन लिकर। तो अपने पास जो ब्लैक लिकर था, ब्लैक से भी किसमें कन्वर्ट हुआ है, ग्रीन लिकर में, Na2CO3। अब हम क्या करेंगे, अब देखना जरा ध्यान से, इसके बाद लेकर के जाते हैं इसको स्मेल्टिंग टैंक में। स्मेल्टिंग टैंक में क्या होता है, सिंपली ये जो ग्रीन लिकर है ना, Na2CO3 जो ग्रीन लिकर है, इसको मिक्स करते हैं कॉस्टिक के साथ में। कॉस्टिक कौन सा है, सिलेक्ट लाइम, ठीक है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये कन्वर्ट हो जाएगा NaOH, जो दूसरा अपना रिक्वायर्ड केमिकल था, प्लस आ गया CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम क्या करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट को फर्दर क्या करते हैं, इसको हम लोग यूटिलाइज कर लेते हैं, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, CaCO3 को ब्रेक कर लेंगे CaO+CO2 में, ठीक है ना, अपने पास वाटर अवेलेबल है, तो हम क्या करेंगे, CaO को इसका हाइड्रोजन रिएक्शन कराकर इसको कन्वर्ट कर लेंगे CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस। ये कंप्लीट रिएक्शंस होती हैं। तो यहां से अपने को जो अवेलेबल कंपाउंड चाहिए थे ना, वो रिकवर होके मिल जाते हैं। फर्स्ट जो अपने को चाहिए था सोडियम सल्फाइट वो मिल गया, सेकंड चाहिए था NaOH वो मिल गया, ठीक है ना। तो इनको हम क्या करते हैं, बार बार रिकवर करके, और इस पर्टिकुलरली प्रोसेस में जो आपकी पल्पिंग प्रोसेस होती है वहां पर हम लोग इसको यूज करते रहते हैं, ठीक है ना। तो पहले अब यहां से क्या हो गया, ये जैसे केमिकल आपके रिकवर हो गए, ये फर्स्ट से आपका क्या बन गया, पूरा का पूरा केमिकल क्या बन गया, ये बन गया व्हाइट लिकर, ठीक है ना। तो यहां से जो क्वेश्चन आता है जरा उसको ध्यान से देखो भाई, यहां से जो क्वेश्चन आता है उसको ध्यान से देखो, क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन यहां से ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस क्या होता है, ऑर्डर ऑफ जनरेशन क्या होता है। पहला क्वेश्चन तो आपसे ये आता है, क्वेश्चन ये आएगा कि ब्लैक लिकर सबसे पहले ब्लैक बना था, ब्लैक से बना था ग्रीन, ठीक है ना, और ग्रीन से बना था व्हाइट, एक क्वेश्चन तो ये आएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपसे जो पूछा जाएगा वो पूछा जाएगा कोकिंग लिकर, कोकिंग केमिकल्स कौन से होते हैं वो पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो वो अपने को पता चल गया, ये शॉर्ट में आपको नोट करना है, सोडियम सल्फाइड और NaOH, बेसिकली हम लोग यही नोट करके चलते हैं, बाकी मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से हम लोग यूज करते हैं, सोडियम सल्फाइड और NaOH। बहुत सी जगह आपको Na2SO4 में लिखा हुआ मिलेगा, सही है, कोई दिक्कत नहीं, Na2SO3 लिखा हुआ है तो भी सही है, ठीक है। हाँ, कोकिंग लिकर आपसे पूछा जाएगा। इसके बाद पर्टिकुलरली जो
प्रोसेस का नेम है, जो प्रोसेस का नेम है वो भी आपसे पूछा जा सकता है, सल्फेट प्रोसेस या सल्फाइड प्रोसेस, ठीक है। तो ये बेसिक आता है, या तो कुकिंग लिकर आपसे पूछा जाएगा या फिर आपसे पूछा जाता है पर्टिकुलरली ये कन्वर्जन, ठीक है ना। अभी तक देखो कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया पर्टिकुलरली जो पल्प होता है, जो पल्प होता है उस पल्प का परसेंटेज कितना होता है, पल्प में सेलुलोज का परसेंटेज कितना होता है, फाइबर परसेंटेज कितना होता है, कोई आइडिया किसी को, कोई आंसर दे सकता है? जो पल्प है पल्प में फाइबर का परसेंटेज कितना है, ये क्वेश्चन है मेरा, जल्दी से आंसर दो जरा। फाइबर का परसेंटेज, कोई आइडिया? चलो कोई दिक्कत नहीं है, सिक्सटी परसेंट। और कोई? जनरली अगर हम लोग बेगास या बंबू का यूज करते हैं तो वहां पर अपने को 5-60% का फाइबर कंपोनेंट होता है, बाकी का आपका जो होता है वो होता है वाटर पूरे पल्पिंग में, ठीक है ना, जो पल्प हम लोग प्रोडक्शन करके चलते हैं। तो अब बेसिक क्वेश्चन जो ये आता है, एक बार क्वेश्चन इससे बहुत अच्छा आया था, वहां पर सिंपली उसने प्लांट पी और प्लांट क्यू इस तरह से दो प्लांट दे दिए थे और वहां से उसने कंपैरिजन पूछा था। तो ये तो बात हो गई भाई, हाँ ठीक है, लगभग लगभग 40-50 या 60% के आसपास होता है। ये तो बात हो गई इसकी सल्फेट प्रोसेस की, अब जरा आगे बात करते हैं, अब जरा आगे बात करते हैं ब्लैक लिकर रिकवरी के बाद जो अगली बात आती है वो आती है सल्फाइड प्रोसेस की, ठीक है ना। तो सल्फाइड को भी जरा यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो एक्चुअली होता क्या है उसको ध्यान से देखना, सल्फाइड प्रोसेस में क्या होता है, सिंपली जो सल्फाइड प्रोसेस है आपकी उसमें जो हम लोग यूज करते हैं उसमें दो टाइप की चीजें यूज करते हैं, या तो एसिडिक आपका, कुकिंग लिकर की बात बता रहा हूं मैं, जो कुकिंग लिकर होगा वो या तो आपका एसिडिक होगा या तो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा, ठीक है। पहली चीज तो ये है जो डिफरेंस है, इसके ना यूज करने का मेन रीजन क्या है, सल्फाइड प्रोसेस क्यों नहीं यूज करते, उसके पीछे का मेन रीजन क्या है कि यहां से जो पल्प आपका बनता है वो उसकी जो फेयरनेस होती है वो बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो बहुत वीक होती है। पहला ड्रॉबैक तो ये था इस प्रोसेस को ना बनाने, इस प्रोसेस को ना यूज करने का, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि यहां पर जो एसिडिक या फिर जो न्यूट्रल हम लोग सॉल्ट यूज करते हैं वो कौन से होते हैं जरा, वो जनरली क्या होते हैं, वो आपके बाईसल्फाइड्स होते हैं, बाईसल्फाइड्स होते हैं, ठीक है ना। जितने लोगों का यहां से डाउट रहता है सभी लोग बिल्कुल ध्यान से देखो, वो बाईसल्फाइड्स किसके होते हैं, वो बाईसल्फाइड्स आपके होते हैं कैल्शियम के, मैग्नीशियम के, सोडियम के, पोटेशियम के और अमोनियम के, ठीक है ना। इन सब के क्या होते हैं आपके पर्टिकुलरली बाईसल्फाइड्स होते हैं। अब ये सारे के सारे क्या है, मैंने बताया था एक बार, मैंने क्या किया था आप लोग को लास्ट में बताया था, वहां पर जो आपके पास आता है वो आता है Na2SO3, ठीक है ना, Na2HSO3। तो अब ये अगर मैंने लिखा हुआ है तो इसका मतलब केवल ये नहीं है कि यहां पर केवल सोडियम के ही बाईसल्फाइड यूज होंगे, आपके सामने क्लियरली ये लिखा हुआ है वहां पर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और अमोनियम, किसी का भी बाईसल्फाइड या फिर न्यूट्रल सल्फाइड हो सकता है, ठीक है ना, NaHSO3 है सॉरी, ठीक है। तो ये तो बात हो गई किसी कुकिंग लिकर की। अब कुकिंग लिकर के बाद यहां पर बात जो आती है वो आती है कुकिंग टाइम की। ये जो प्रोसेस है, इस पर्टिकुलर प्रोसेस का जो कुकिंग टाइम होता है हाँ बेटा, डाइजेस्टर में ही हम लोग व्हाइट लिकर डालते हैं जो बाद में आपका ब्लैक बन जाता है, ठीक है ना। अगर वो यूटिलाइज हो जाएगा वो आपका पर्टिकुलरली लेग्निन को डिसॉल्व, देखो व्हाइट का ब्लैक होने का मतलब क्या, जो लेग्निन होता है ना वो लेग्निन, देखो जनरली आपका सेलुलोज पॉलीमरिक कंपाउंड है, हाई कार्बन कंपाउंड आपका अवेलेबल है, हाई टेम्परेचर प्रोसेस हो रही है तो कार्बन आपका क्या होता है, बर्न होता है, तो कार्बन बर्न होकर के उस व्हाइट लिकर में जो आपका कुकिंग लिकर उसमें डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है ना। तो उसको हम लोग जब सेपरेट करते हैं तो वो ब्लैकिश कलर का होता है, तो जनरली हम लोग उसको ब्लैक लिकर बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहां पर जो कुकिंग टाइम होता है आपका, जो कुकिंग टाइम होता है सल्फाइड प्रोसेस में, वो आपका होता है नियर अबाउट 6-12 आवर्स का।
ठीक है ना। अभी हम लोग पढ़ के आए पीछे क्या, अपना जो सल्फेट प्रोसेस पढ़ा है वहां पर जो टाइम लग रहा था वो लग रहा था आपका 1 से 2 घंटे का। तो भाई टाइम कंज्यूमिंग है, एनर्जी ज्यादा कंज्यूम होगी, ठीक है ना। दूसरी बात ये आती है पर्टिकुलरली कि यहां से निकलने वाला जो फाइबर है वो कैसा है, आपका वीक है। दूसरा क्या है, टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है ना। तो इस वजह से क्या किया, इस प्रोसेस को क्या किया गया, करंट सिचुएशन में हम लोग इसका यूज बहुत कम करते हैं, हम लोग यूज करते हैं किसका, सल्फेट एफिक रॉट प्रोसेस का। चलो आगे बात करते हैं, फिर आगे बात करते हैं। तो ब्लैक लीकर के बाद बेसिक जो एक डिफरेंस आता है, मैंने यहां पर लिख रखा है सिंपली कि आपका सल्फेट प्रोसेस कैसी अल्कलाइन है, क्योंकि हम यहां पर यूज कर रहे हैं NaOH का। ये कैसी एसिडिक प्रोसेस है, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है आपका, ये वाला टर्म आ रहा है। इससे क्या हो जाता है, आपकी प्रोसेस जो है ना वो एसिडिक हो जाती है, ठीक है ना। दूसरा क्या है कि डाइजेशन में यहां पर मैंने क्या लिखा हुआ है, 1 से 2 या 2 से 5 घंटे लिखा हुआ है, यहां से क्या है आपका 6 से 12 घंटे लगते हैं, ठीक है ना। ये टेम्परेचर यहां पर, बस टेम्परेचर इसका जरूर ज्यादा होता है, ये टेम्परेचर यहां पर जरूर ज्यादा होता है, लेकिन इस पर्टिकुलर प्रोसेस का टेम्परेचर कम होता है। लेकिन अल्टीमेटली अपने को क्या, अपने को नीड क्या है, अपने को नीड है पर्टिकुलरली फाइबर की स्ट्रेंथ से। अगर वो फाइबर अपने लिए यूजफुल नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। तो ये कंप्लीट होता है हमारा क्या, सल्फेट और सल्फाइड प्रोसेस का। इसको हम लोग बोलते हैं पर्टिकुलर पल्पिंग प्रोसेस। यहां पर कोई डाउट है अगर तो पूछो, ये बाइसल्फाइड वाला या फिर सल्फाइड प्रोसेस के जो डाउट्स थे आई थिंक आज क्लियर हो गए होंगे, किसी कोई डाउट नहीं होगा। वहां पर कैल्शियम का बाइसल्फाइड लिखाओ, मैग्नीशियम का लिखाओ, सोडियम का लिखाओ, पोटेशियम का लिखाओ, कोई भी बाइसल्फाइड अगर है सिंपल तो वो हमारा क्या है, वो आपका पर्टिकुलरली वो सल्फाइड प्रोसेस के लिए यूज हो रहा है, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं। इसके बाद पल्प के बाद जो बात आती है वो आती है किसकी, वो आती है पेपर प्रोडक्शन की, कि पेपर पर्टिकुलरली जो है ना वो पेपर प्रोडक्शन किस तरह से हो रहा है। तो पेपर प्रोडक्शन का सिंपल सा लॉजिक ये है कि जो आपका पल्पिंग प्रोसेस है, तो पेपर प्रोडक्शन से कोई क्वेश्चन खास नहीं आता है, लेकिन वहां से जो पूछा जाने वाला क्वेश्चन एक बार पूछा जो गया है, वो ये पूछा गया कि पेपर प्रोडक्शन से रिलेटेड जो आपका मशीन नेम है, तो वो पूछा था जनरली। तो जरा एक बार इसको देख लेते हैं, मजा आ रही ना सबको, मजा आ रही है, स्पीड ज्यादा फास्ट तो नहीं है। अच्छा ये बताना मेरे को, सही से बताना, मैंने जो एक बार बोला था सभी लोगों से कि अपने रूम में किसी भी एक व्हाइट चार्ट पेपर में या फिर किसी भी एक व्हाइट प्लेन बोर्ड में आपको शॉर्ट फॉर्म में सीटी के जितना भी हैं फॉर्मूले या फिर कोई भी टेबल जो है वो बना करके रखनी है। कितने लोगों ने किया आज तक, किसी ने ट्राई मारा है? क्योंकि सीटी जो है ना उसको इतना टाइम देने की नीड नहीं है, ठीक है ना। चिराग बेटा वेरी गुड, फ्रॉडनायर मशीन, ये कॉन्सेप्ट किसी ने यूटिलाइज किया कि नहीं किया? अगर नहीं किया है तो अभी भी लास्ट मंथ चल रहा है बेटा, ठीक है ना। जितने भी आपने सीटी की छोटी छोटी टेबल्स बनाई हुई हैं, हर पर्टिकुलरली टॉपिक की, हर पॉलीमर की या फिर पेट्रोलियम रिफाइनिंग की, मैंने सबकी एक एक टेबल आपको बता रखी है, ठीक है ना। तो उसको अपने हैंड से बाई हैंड बना करके रख लो, पर्टिकुलरली प्रोसेस नेम। अगर नहीं बनाई है तो अभी भी बना लो, आपके पास टाइम है। प्रोसेस नेम, ठीक है ना, उसमें यूज होने वाली प्रोसेस कंडीशन, अगर हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर जैसे भी प्रोसेस है वो यूज कर लो कंडीशन, ठीक है ना। इसके बाद पर्टिकुलरली प्रोसेस का कोई पॉपुलर नेम अगर है तो इस तरह से टेबल आप बना लो, जिस आप जिसका बनाना चाहते हो उसमें कॉलम आपके कम ज्यादा होते रहेंगे। पॉपुलर नेम अगर कोई है तो वो आप लिख लो, ठीक है ना, और उसके यूज होने वाला कैटलिस्ट, बस। इसके अलावा तो कुछ नहीं पूछेगा ना, पूरी सिटी में क्या पूछता है, यही तो पूछता है, ठीक है ना। तो प्रोसेस या फिर प्रोडक्ट नेम कर लेना, यहां पर प्रोसेस की जगह प्रोडक्ट नेम कर लो, प्रोसेस तो लास्ट में हम लोग लिख रहे हैं, यहां पर कर लेना प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम, ठीक है ना। उनकी कंडीशंस, हाई टेम्परेचर प्रोसेस है, लो टेम्परेचर या हाई प्रेशर या फिर लो प्रेशर प्रोसेस है, ठीक है ना। इस तरह से पॉपुलर नेम क्या है उस प्रोसेस का, पॉपुलर नेम जैसे हम लोग बोलते हैं ना जिगलर नेटा पॉलीमराइजेशन या फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, इस तरह से पॉपुलर नेम हम लोग बोलते हैं, और उसमें यूज होने वाला कैटलिस्ट, ठीक है ना। तो किसी भी रिफाइनिंग की बात कर रहे हो तो वहां पर भी यूटिलाइज हो जाएगा, किसी भी प्रोडक्ट की आप बात कर रहे हो, आपको हमेशा ये चीजें जो है ना, पूरी सिटी की मुश्किल 5 से 6 टेबल बनेंगी, बस वो 5 से 6 टेबल में आपका पूरा का पूरा जो है ना कवर अप हो जाएगा। हाँ अच्छी बात है, अगर आप कर रहे हो तो अच्छी बात है, लेकिन ना ये एक शॉर्टकट तरीका है पूरी सिटी का कवर अप करने का, आपको नोट्स खोलने की बार बार नीड नहीं है, ठीक है। चलो तो बात करते हैं भाई लास्ट जो बचा हुआ टॉपिक, इसको भी जरा कवर कर लेते हैं, आज का लास्ट टॉपिक दैट इज द पेपर प्रोडक्शन। तो पेपर प्रोडक्शन सबसे पहले जो बात आती है उसमें सिंपली अपने करना क्या होता है कि पेपर के प्रोडक्शन के लिए अपने को सबसे पहले क्या करना है, जो पल्प निकल करके आ रहा है, जो पल्प आ रहा है, ठीक है ना, उस पल्प को क्या करना है, उसको सबसे पहले क्या करना है, जहां पर भी पल्प स्टोर करके हम लोग रखते हैं उसको क्या करना होता है, उसको सबसे पहले हमें क्या करना है, लूज करना है, ठीक है ना।
तो लूज करने के लिए सबसे पहले हम लोग पास करते हैं उसे, सबसे पहला स्टेप होता है पल्प को पास करते हैं सबसे पहले बीटर में। बीटर का मतलब क्या होता है? बीट करने वाला। तो हमें क्या करना है? उसको लूज करना है। तो एक तरह से साइक्लिक रिंग होती है, उसमें क्या होते हैं आपके सर्कुलर डिस्क लगी होती है, जिसके थ्रू क्या होता है आपके जो फाइबर कंपाउंड है ना वो क्या होते हैं? लूज होते हैं, ब्रेक होते हैं, दूर दूर किए आते हैं, ठीक है ना। तो लूजिंग ऑफ पल्प, उसका काम हमारे पास होता है कहां पर? बीटर में, ठीक है ना। अब बीटर के बाद उसको लेकर के आते हैं कहां पर? उसको सिंपली हम लोग लेकर के आएंगे। अब उसका हमें क्या करना है? पर्टिकुलरली पल्प में जो वाटर का परसेंटेज है, जो वाटर का परसेंटेज होता है ना वो बहुत ज्यादा होता है, तो हमें क्या करना है? उस वाटर का परसेंटेज को क्या करना है? कम करना है, ठीक है ना। ये इनिशियल परसेंटेज होता है पल्प में वाटर का 95% तक, ठीक है ना। तो उसको हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है। रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं? उसको सिंपली लेकर के आएंगे हम लोग प्रेसिंग रोल्स में। प्रेसिंग रोल्स में लेकर के आते हैं, वहां पर कंटिन्यूसली क्या करते हैं? जो आपका पर्टिकुलर जो पल्प है, जो पल्प स्लरी बोलेंगे यहाँ पर, क्योंकि स्लरी किसको बोलते हैं? यहाँ पर वाटर परसेंटेज ज्यादा होता है इसलिए उसको बोलेंगे पल्प स्लरी। तो उससे क्या करेंगे? जो आपका एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करना है, ठीक है ना। तो प्रेसिंग रोल्स में क्या करना है अपना? यहाँ पर काम क्या होता है? यहाँ पर पहली चीज हम ये करेंगे, यहाँ पर वेब फॉर्मिंग करेंगे, अपने को वेब फॉर्म करना है। जो पर्टिकुलरली सेलुलोज फाइबर्स हैं उनको क्या करना है? इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है, इस तरह से फैलाना है कि वो आपस में एक दूसरे से क्या हो? अटैच भी हो, वेब का फॉर्मेशन करें और पर्टिकुलरली एक स्मूथ थिन लेयर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो ये काम होता है, इसको बोलते हैं वेब फॉर्मिंग का। तो यहाँ पर कंटिन्यूसली होता क्या है कि आपका एक रोटेटिंग आपका क्या होता है? कन्वेयर होता है, कन्वेयर बेल्ट होती है और वो वाइब्रेट करती रहती है, ठीक है ना। आप देखते हो ना घर में अगर इकट्ठा भी कोई चीज, अगर थाली में अगर चावल इकट्ठा है उसको हल्का सा ऐसे अगर वाइब्रेट कर दो तो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरी थाली में। तो ऐसे ही काम लोग काम यहाँ पर करना होता है, ठीक है ना। अब प्रेसिंग के थ्रू क्या करते हैं वहां पर? प्रेसिंग के थ्रू या फिर ग्रेविटी के थ्रू हम क्या करते हैं? वहां पर जो एक्सेस वाटर है ना उसको निकाल लेते हैं। उसको निकालने के बाद हम उसको लेकर के जाते हैं कहां पर? उसको लेकर के जाते हैं ड्रायर में। ड्रायर में लेकर के जाते हैं, वो क्या होता है आपको? वो स्टीम हीटेड ड्रायर होता है, स्टीम हीटेड ड्रायर होता है। ड्राइंग रोल्स जो होते हैं ना वो स्टीम हीटेड होते हैं, तो वहां पर हम पास करते हैं। तो वहां पर देखो, यहां पर जो वाटर परसेंटेज आपका रिड्यूस होता है वो 60% तक होता है, और ड्रायर में जो आपका बचता है वो बचता है 5% तक। अब 5% तक हम लोग उसको ड्राई करके रखते हैं, लेकिन ऐसे ज्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी बोन ड्राई कंडीशन अगर आ जाएगी तो आपका पेपर जो है ना पापड़ बन जाएगा, वो पापड़ की तरह आपका टूटने लगेगा। इसलिए क्या करते हैं? इतना मॉइस्चर कंटेंट या फिर इतना हम लोग का जो वाटर कंटेंट है ना वो सेटेबल होता है, चलता है। इसके बाद क्या आता है आपका कि वहां से ड्रायर से निकालने के बाद उसको हम लोग क्या करते हैं? ब्लीचिंग करते हैं, वॉशिंग करते हैं, ठीक है ना, कलरिंग की जाती है, फिर हम क्या करते हैं? उसको कैलेंडरिंग करके और उसको स्टोर करके रख लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो सेटअप होता है, ये पूरा का पूरा जो सेटअप होता है इसको जनरली हम लोग बोलते हैं फ्रॉडनायर मशीन, ठीक है ना, जिसमें हमारा क्या होता है? कंप्लीट आपका पेपर का प्रोडक्शन होता है वो कंप्लीट होता है। तो एक दो बार क्वेश्चन इससे आया है केवल कि फ्रॉडनायर मशीन किससे रिलेट करती है, वो भी क्वेश्चन मैचिंग में आया है। सिंगल क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड आपका नहीं आता कभी भी, ठीक है। तो आज भाई हम लोग इतना ही रखेंगे नेचुरल प्रोडक्ट्स का कैटेगरी, ठीक है। अब पेपर एंड पल्प के बाद कल हम लोग जो बात करेंगे, कल मेरा लेक्चर नहीं है, कल मेरा इवनिंग में लेक्चर नहीं है, कल साइलेंस सर के साथ पूरा एंजॉय करो, मैराथन का मजे लूटो, ठीक है ना। बेहतरीन फॉर्म में, प्रिसाइज फॉर्म में किस तरह से रिवीजन हो सकता है उस रिवीजन का आनंद लो, ठीक है। सुबह मेरे से मुलाकात होगी आपकी, सेशन मेरे ध्यान रखना 9 बजे से पहला आपका मोटिवेशन वाला सेशन है, उसमें भी कुछ नया मिलने वाला है। उसके बाद 9:30 से जो आपका लाइव स्पेशल क्लास है उसमें आपके मिलने वाले हैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट। वो थ्योरी शायद आपने अभी क्लास में ना पढ़ी हो, उससे रिलेटेड कुछ ऐसी चीजें शायद आपने क्लास में ना पढ़ी हो, तो वो आपको उसमें मिलेगा लाइव ऐप में, ठीक है। हाँ बेटा, कल पीडी का रिवीजन है, कल मेरी क्लास नहीं है, कल सीटी क्लास नहीं है, ठीक है ना। तो इसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे फिर अब नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ, सीटी फास्ट खत्म करते हैं, बस अपने पास ज्यादा बचा नहीं है अब सीटी, जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो हो गया, अब सीटी को फास्ट खत्म करते हैं एक दो दिन में। उसके बाद हम लोग आएंगे एमओ में, एमओ रिवाइज करेंगे, इसके बाद आपके फ्लूइड मैकेनिक्स की क्वेश्चन सीरीज, ठीक है ना। जितनी भी एफएम की क्वेश्चन सीरीज है अभी तागी सर से आप लोग पढ़ रहे होगे, देख रहे होगे उनको, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग आएंगे फिर एफएम की कुछ क्वेश्चन सीरीज में, एफएम की एक्सपेक्टेड एमएसक्यू सीरीज में, ठीक है ना, उस पर हम लोग आएंगे। बस ऐसे ही मजे लेते रहो यार। सीटी क्या है, केमिकल इंजीनियरिंग का हर सब्जेक्ट बहुत आसान है, आपको ये रियलाइज हो रहा होगा, आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, हम सभी से पढ़ रहे हो, ठीक है ना। मनीष सर ने मास ट्रांसफर सॉल्यूशन थर्मो क्या चुटकी में आपको समझाया है, आप सब समझ गए होगे। सीआरई पीडी
ठीक है ना, और पीसी अभी पढ़ने का अगर आपको मौका मिलेगा साइलेंसर से तो वो आप लेवल समझ गए होगे कितना आसान तरीके से सब्जेक्ट को समझा जा सकता है, ठीक है ना। तो अब आगे आने वाले कोई भी सब्जेक्ट जो हैं आपके, मेरे से अभी तक आप केवल सीटी और सीटी पढ़ रहे हो, ठीक है, मेरे को एमओ अभी तक आपको देने का मौका नहीं मिला, लूंगा एमओ का, एमओ को बहुत जल्दी हम लोग रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलो तो फिनिश करें भाई फिर, ठीक है ना, ख्याल रखो भाई सभी लोग अपना, क्योंकि कोरोना के नया स्ट्रेन आ चुका है, तो अपना सभी लोग ख्याल रखो, सतर्क रहो थोड़ा सा, तो बेटा चिट बनाने के लिए बोलते हैं ना कि नकल के लिए भी अकल चाहिए, तो चिट बनाने के लिए भी थोड़ा सा लगाया होगा ना दिमाग कि कौन सा क्वेश्चन फंसेगा सेमेस्टर एग्जाम में, ठीक है ना। चलो अच्छी बात है, चिट के सहारे सेमेस्टर तो पास हो गया ना, लेकिन चिट के सहारे ये गेट नहीं निकलने वाला है, तो सभी के लिए है भाई, गेट का कोई शॉर्टकट नहीं है, तो गेट का शॉर्टकट बस इतना है कि आप कितना लेबोरियस हो, डेडिकेशन आपका वही शॉर्टकट है आपका। चलो फिनिश करते हैं आज का सेशन फिर, थैंक यू। और जो लोग नए आज जुड़े हैं इस सेशन में, जो लोग नए जुड़े हैं भाई, इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, इसको लाइक करो, शेयर करो ये वीडियो। अगर आपको देखो, मैं इसके ना एक प्लेलिस्ट बना दूंगा, सीटी के जो लेक्चर रिवीजन हो रहा है ना, इनका प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो अगर किसी को भी आपको शेयर करना है तो आप इजीली उसको शेयर कर सकते हो, ठीक है ना। और अगर आपको कोई भी नीड है, और अगर आपको कोई भी नीड है पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, सेशन की आप लोग जो डिमांड कर रहे हो, हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो आपके कंप्लीट हो, क्योंकि फुल डे का रूटीन आप लोग देख रहे हो कितना हम लोग अभी थोड़ा सा बिजी शेड्यूल चल रहा है, मॉर्निंग से लेकर के इवनिंग तक कोई भी खाली नहीं है, ठीक है ना, तो सभी बिजी हैं। चलो फिर फिनिश करते हैं भाई, बाकी ख्याल रखो अपना, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, थैंक यू।